और थैंक यू एवरीवन, आप सब लोग आए और ज्वाइन किया। आज का जो सेशन है वो वंडरफुल रहेगा। हम लोग आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जो आपने कहीं पे नहीं सुनी होगी, कहीं नहीं वीडियो गूगल या यूट्यूब पे कहीं पे नहीं देखी होगी। और आप सब लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि संडे आफ्टरनून आप लोग आए और अपना कीमती समय निकाल के 1 घंटा आप यहाँ बैठोगे, लेकिन ये आने वाला 1 घंटा आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो बहुत ही आपको यूजफुल रहेगी, खास करके वेट लॉस के ऊपर। मैं डॉक्टर गुंजीत परमार, मेरे साथ आज जुड़े हैं इंडिया के टॉप मोस्ट हेल्थ कोचिज, जैसे मेरे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट है डॉक्टर चार्मी, जो बॉम्बे से, जो सेलिब्रिटी को भी वो कोचिंग करते हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। और मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर गौरव, जो कैलिस्थेनिक कोच है, बॉडी वेट ट्रेनिंग, मतलब घर पे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट्स अपनी बॉडी वेट को लेके। तो ऐसे, और एक हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मनीष, जो माइंड कोच है। ये लोग आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जो आपकी ये 1 घंटा आने वाला आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो चलिए हम चालू करते हैं आज का वेबिनार वेट लॉस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ओबेसिटी जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, जो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जो आगे वाले स्लाइड्स में और प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो रही तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ओबेसिटी कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मिथ है ओबेसिटी से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस करूंगा। मेरे बाद आएंगे चार्मी जी, जो आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे वेट लॉस के जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे और बहुत ही इजी तरीके होंगे। और बाद में मेरे बाद आएंगे गौरव जी आएंगे, जो आपको एक्सरसाइज के कुछ एकदम इजी टिप्स देंगे। और बाद में मनीष जी आएंगे, जो माइंड कोच है, जो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो मेंटल बैरियर आपका ब्रेक करेंगे, कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है कोई हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन हम लास्ट में देंगे, और लास्ट तक जो लोग जुड़ेंगे हमारे साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा। उन लोगों को, अगर जो गूगल फॉर्म आप भरते हो, तो उनके लिए स्पेशल हमने एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है, तो वो हम शेयर करेंगे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन आंसर आप लास्ट में लेंगे। सब लोग अपना नोट और पेन रेडी रखिए और अपने फैमिली के साथ बैठिए, क्योंकि ये लर्निंग ऐसा है कि आप फैमिली के साथ बैठोगे तो बहुत ही इम्पैक्ट आएगा अपने फैमिली को, तो आपके साथ उनको भी आप लर्न कराइए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड कितना है। जैसे कि मैं ये आप स्लाइड में देख रहे हो कि 2.1 बिलियन, ऑलमोस्ट 30% पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की 30% जितनी आबादी है वो ओवरवेट से आज ग्रसित है। जैसे कि एक डेटा है कि मैन में कितना कॉमन है और वुमेन में कितना कॉमन है। 1980 की अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट 29% था ये मेल की बात को, जो आज बढ़ के 37% हो गया है। सेम चीज फीमेल की बात करो तो वो 30 से 38% हो गया, और इंडिया का नंबर आप देख रहे हो तीसरे नंबर पे। तो ये बहुत ही बड़ा, खासकर बच्चों में भी ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया ओबेसिटी का कोरोना के बाद। तो पहले तो ये प्रॉब्लम को आपको समझना होगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। दस साल की, अगर पिछले 10 साल में, मैं खाली स्पेसिफिक ये वर्ल्ड का डेटा था, अब मैं इंडिया की बात करूं तो पिछले 10 साल में डबल हो गया ओबेसिटी रेट जो है। मतलब आज की तारीख में नंबर ऑफ ओबेस पीपल इन इंडिया 30 मिलियन। ओबेसिटी से आपको डायबिटीज और हार्ट अटैक होने का खतरा 80 से 85% बढ़ जाता है। इसके ऊपर काफी रिसर्च हुए है, और खासकर रूरल के साथ अर्बन जो छोटे छोटे गाँव है उसमें भी ये काफी बढ़ रहा है। पहले ऐसा था कि सिटी के लोग ही ओबेसिटी में ज्यादा, सिटी में कॉमन होता है, बट आज की तारीख में छोटे गांव जो है जिनको हम रूरल एरिया बोलते हैं, वहां भी ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है इंडिया के लिए। डेथ रेट की अगर बात करें इंडिया में, तो 2.8 मिलियन डेथ्स आर रिपोर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग ओवरवेट और ओबेस। ये इंडिया का डेटा है आज तक का। अब हम देखते हैं कितने, आप आगे आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज ओबेसिटी से रिलेटेड है। बट हमारा एक मिशन है, हम लोग एज अ हेल्थ कोच हम रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। आज आपने देखा होगा कि आप कोई डायटिशियन के पास, एक्सरसाइज ट्रेनर, जिम ट्रेनर के पास जाते हो या योगा एक्सपर्ट के पास, तो वो लोग आपको खाली डाइट प्लान दे देंगे, ये आप 3 महीना ये एक्सरसाइज कर लो, ये पर्टिकुलर चीज फॉलो कर लो, तो इससे यूजुअली कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ज्यादातर सिलेक्टेड पेशेंट में क्या होता है, कोई ज्यादा मोटिवेटेड होगा
तो फिर उनको वो 3 महीने फॉलो तो कर, लेकिन लंबा सस्टेन नहीं कर पाता, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी नहीं आती। हमारा मिशन एज ए हेल्थ कोच, जो हम रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, मतलब क्या आपका जैसे बोलते हैं ना कि वाई के ऊपर हम काम करते हैं, हाउ कैसे करना है उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, क्यों करना है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, और रूट कॉज के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। हमारा मिशन, मैंने आपको ये स्लाइड देख रहे हो कि करीबन 2025 तक 10 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, खास करके जो लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित है, जिसमें शुगर लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर लेवल, थायराइड, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी सारा नेचुरली विदाउट मेडिसिन। तो ये हमारा गोल है, करीबन 10 लाख लोगों को हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मैं थोड़ा मेरा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्सल हेल्थ कोच हूँ। ये मेरी सर्टिफाइड कोर्सेस और डिग्री है। मैंने डायबिटीज में सर्टिफाइड कोर्स किया है, हेल्थ कोच का सर्टिफाइड कोर्स किया है, और जितने भी जैसे थायराइड, अस्थमा है, इंडस्ट्रियल हेल्थ में हम स्पेशलाइजेशन, जेरियाट्रिक में स्पेशलाइजेशन किया है, तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। और ये मैंने अलग अलग जगह जाके अल्टरनेटिव थेरापी, चाहे वो क्वांटम हीलिंग हो, बायोमैग्नेटिक एनर्जी फीलिंग हो, एनर्जी हीलिंग हो, या कोई भी हो, हेल्थ कोचिंग हो, डायबिटीज का सर्टिफाइड हो, या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई कोर्स हो, चक्रा बैलेंसिंग का हो, सारी अलग अलग जगह जाके मैंने ये सारी कोर्स का ट्रेनिंग लिया है, और जो उसका पूरा निचोड़ हम आपको आज बताने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना है, पूरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, पीसीओडी हो, या किडनी डिजीज हो, ये सारी चीजों का एक ही रूट कॉज है, दैट इज ओबेसिटी। तो ओबेसिटी अगर आप उसको रिवर्स करो, तो काफी सारी चीजें लाइफस्टाइल डिजीज में, चाहे जॉइंट पेन, बैक पेन, कई बार पेशेंट में डिप्रेशन, एंजाइटी भी देखा गया है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह, खास करके टीनेजर बच्चों में, तो ये भी बहुत कॉमन है। अगर इसको आप क्योर करते हो, तो ये सारी चीजों से आप मुक्ति पा सकते हो। अब थोड़े मिथ्स ओबेसिटी से जुड़े हुए, जैसे कि फर्स्ट मिथ है कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर डाइट, आज बहुत ट्रेंडिंग है कि भाई यो डाइट, माने थोड़े टाइम के लिए पर्टिकुलर कोई डाइट या कोई पाउडर ले लिया न्यूट्रिशन का, या कोई पर्टिकुलर डाइट से वजन बढ़ा लिया फिर वजन कम कर दिया, उसको यो डाइट बोलते हैं, जो काफी आपको डैमेज करेगा। इस तरह का डाइट कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। और फैट डाइट मतलब अलग अलग तरह के डाइट हो, जैसे कीटो डाइट हो गया, एटकिंस डाइट हो गया, ऐसे पेलियो डाइट हो गया, ऐसे बहुत अलग अलग डाइट होते हैं, जो आप कोई डायटिशियन के पास जाओगे तो आपको सजेस्ट करेगा, बट वो डेफिनेटली हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, उनका उनके लिए कस्टमाइज डाइट प्लान, उनको क्या सूट करता है उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। तो ये एक मीथ है कि पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, उनको मिला तो आपको भी मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मीथ है। आपकी बॉडी टाइप अलग है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना रहता है। मैजिक फूड, मैजिक पिल और फास्ट वेट, ये भी एक बहुत बड़ी मीथ है कि भाई कोई ऐसा सलाड बता दो, या कोई ऐसी पाउडर बता दो जो बहुत आजकल चल रहा है, कोई ऐसी गोली बता दो, या हम हमारे घर में शादी है तो 1 महीने में 2 इंच कमर या 5 किलो वजन कम कर, इस तरह का जो तरीका है बिल्कुल गलत गलत है। आजकल जितने भी आप मार्केट में देखो, जो भी आपको ये वेट लॉस का करते हैं, वो बिल्कुल कई बार वो तरीका और मेथड बिल्कुल गलत होती है। इससे इमिडिएटली तो आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके हार्ट और किडनी और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचता है। तो साथ साथ पेशेंट को अगर डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा एनालाइज करके पेशेंट को कस्टमाइज अप्रोच रखना पड़ता है, एक्सरसाइज के लिए, डाइट के लिए, और जो भी इसके रिलेटेड अल्टरनेटिव हीलिंग है। जीनेटिक, ये भी सबसे बहुत बड़ा मिथ है कि भाई ज्यादातर पेशेंट ऐसे बताते हैं कि मेरे तो फादर को उनका वेट ज्यादा है, या मेरे फैमिली में डायबिटीज है, मेरे फैमिली में थायराइड है, पीसीओडी है, तो मुझे आएगा ही आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी जीनेटिक के ऊपर और एक कंसेप्ट है, एपिजीनेटिक, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने जीन्स को भी बदल सकते हो, थ्रू विजुअलाइजेशन टेक्निक, बहुत सारी इसमें टेक्निक है। हम लोग बीइंग अ हेल्थ कोच ये सारी चीजें आपको करवाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि मेरे जीन में ही है, मेरे फादर मदर ब्रदर सिस्टर को है तो मुझे भी हो गया, मैं इसको क्योर नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लूजिंग वेट विदाउट एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज जरूरी है, बट वो प्रॉपर तरीका, टाइम, और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या सूट होता है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी सिंपल कोई डॉक्टर ने बोला कि मुझे वॉकिंग करना है, या यंग एज है तो जिम में जाके करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको प्रॉपर अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई करना है, आपकी बॉडी को कौन सी मूवमेंट सूट करती है, उसके हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लेके चालू करना है। एकदम से हैवी वेट एक्सरसाइज या जो एक्सरसाइज आपको सूट नहीं होती है वो बिल्कुल नहीं करनी है, पर एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ।
तीनों पे फोकस करना जरूरी है। खाली वॉकिंग करने से भी कुछ नहीं होगा या खाली जिम में जाने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसको डिटेल में मिस्टर गौरव जो कैलिस्थेनिक कोच है, इंडिया के बहुत माने हुए कोच है, वो हमें बताएंगे। डाइट के बारे में हमें डॉक्टर चार्मी जो बॉम्बे से है वो आपको डिटेल में कुछ ऐसे तरीके बताएंगे वेट लॉस के जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। और मनीष जी है हमारे साथ जो माइंड कोच है, वो आपको मेंटल बैरियर ब्रेक डाउन करने के बारे में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे जो आपने कहीं पे नहीं सुनी होगी। तो ये टॉप मोस्ट हेल्थ कोच मेरे साथ जुड़े, आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी चीजें आने वाली है। स्किपिंग मील्स एंड टेकिंग लेस कैलोरीज, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। ज्यादातर मेरे पेशेंट मेरे को बताते हैं जो जिनको डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के, भाई हम तो दो ही टाइम खाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें सबके लिए नहीं होती है, बट ज्यादातर ऐसा अभी जो आपको बताए तो एवरी 2-3 आवरली, खास करके जो लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित है, वो पेशेंट को एवरी 2-3 आवरली कुछ ना कुछ देना पड़ता है, प्रोवाइडेड कि उसमें काप कम हो, प्रोटीन ज्यादा और ओवरऑल बैलेंस फूड हो। तो इससे डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस होता है, वो पेशेंट का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आप दो टाइम खाओगे, बॉडी स्मार्ट है, उसको पता चलेगा कि ये मुझे दो ही टाइम खाना कर रहा है, तो वो सारा चीज फैट में कन्वर्ट करेगा अल्टीमेटली। और आप कम भी खाना खाओगे तो भी वो वजन आपका कम नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट को, इसके पीछे साइंस क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। और कैलोरी के ऊपर फोकस नहीं करिए, आप न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करिए, जिसके बारे में डिटेल में हमें डॉक्टर चार्मी बताएंगे। और डिफिकल्ट टू लूज वेट इफ यू हैव पीसीओडी, थायरॉइड, डायबिटीज, ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका कोई दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है वो, और उनसे आपका रिश्ता बिगड़ा है, तो ठीक होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही अगर आपको पीसीओडी, थायरॉइड है, डायबिटीज है, तो डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी और तरीका आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग एज हेल्थ कोच आपको बताते हैं, आपको कस्टमाइज अप्रोच रख के बताते हैं। अगेन लास्ट मिथ है कि वेट लॉस इज डिफिकल्ट पोस्ट प्रेगनेंसी, वो डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। थ्रू प्रॉपर स्ट्रेटेजी और मेथड आप डेफिनेटली उसको करेक्ट कर सकते हो। तो सारे मिथ थे वेट लॉस के रिलेटेड। ये इसको आप जानते होंगे, मिस्टर स्टीव जॉब, ये जिन्होंने एप्पल फोन इन्वेंट किया और एप्पल कंपनी के मालिक है, उनका एक स्टेटमेंट है कि यू कैन हायर समवन टू ड्राइव अ कार फॉर यू, मेक मनी फॉर यू, बट अगर आपको कोई बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है, कुछ भी है, तो फिर आप कोई व्यक्ति को अपने लिए अपने डेथ बेड के ऊपर लेटने के लिए नहीं बोलोगे। क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, मेरी बीमारी आप ले लो, मैं आपको इतना पैसा है। तो इसलिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक एग्जाम्पल है ये मिस्टर झुंझुनवाला, जो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़ा नाम है, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। इनका एक स्टेटमेंट है कि भाई मेरा अब तक का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ के ऊपर था, जिनका अनटाइमली डेथ हुआ है। तो इसलिए हेल्थ की इंपॉर्टेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कितना भी पैसा होगा, अगर हेल्थ खराब होगी तो कहीं ना कहीं ये कोई आपको काम नहीं आएगा, कितना भी पैसा है। तो इसलिए इतने बड़े बड़े जो स्टीव जॉब हो या राकेश झुनझुनवाला, अगर ये लोग ऐसा बोलते हैं, हेल्थ के ऊपर इस तरह की कमेंट आती है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है वो होने दो और बर्दाश्त करो, या तो फिर उसको बदलने की जिम्मेदारी हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि आपका वाई क्या है, हाउ के ऊपर कभी भी फोकस मत करो कि मैं कैसे वेट लॉस करूं, ऑलवेज फाइंड के मैं क्यों वेट लॉस करूं। अगर ये आपको वाई मिल गया आपका, तो हाउ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, फिर स्ट्रेटेजी वगैरह आप ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे। तो फ्रेंड्स, ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, और अब कुछ भी नया लर्निंग आप सीखे हो तो चैट बॉक्स में आप जरूर लिखे। और अभी मैं नेक्स्ट सेशन है डॉक्टर चार्मी, जो इंडिया के लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच एंड डायटिशियन, और जो रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, तो मैं डॉक्टर चार्मी को इनवाइट करूंगा। जो डॉक्टर चार्मी हमें कुछ ऐसी चीजें बताएंगी वेट लॉस के लिए जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वेलकम डॉक्टर चार्मी, आप सेशन ऑन करें अपना। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी जो लेक्चर्स आने वाले हैं, जो ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो कहीं पे, और एक नोट पेन लेके आप लिखते रहिए, जो भी आप सीखते हो, नया स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो, लास्ट तक बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलेगी। वेलकम डॉक्टर चार्मी, आप चालू करिए। So, good evening, ladies and gentlemen. Am I audible to everyone? Type yes if you all are audible.
Great, 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 great. Okay. So thank you all, Dr. Gunjit, कि आपने wonderful session conduct किए और myth सारे clear कर दिए. So कितने लोगों के myth आज clear हो गए? Just type me in chat box अगर आपके myth clear हो गए हैं तो. I want to see कि कितने लोग के myth clear हो गए. Great, great, wonderful, wonderful. Wonderful, right, right, right. और कितने लोग excited है ये journey को आगे लेके जाने के लिए, weight loss की journey को आगे ले जाने के लिए कितने लोग excited है? Type me in the chat box if you are ready, my dear participants. Yes, yes. Great, 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 great. तो आज मैं आपको ऐसे secrets बताने वाली हूँ weight loss के related कि आपका weight loss ये session खत्म होते होते दिमाग से तो चालू हो ही गया होगा. तो सबसे पहले वेट लॉस की जर्नी में आगे जाने से पहले मैं आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ कि मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी मेरे बारे में. तो जस्ट मैं थोड़ा ग्लिम्स देती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में वो 20+ years, मोर देन 20 years मैं हेल्थ सेक्टर में सर्विस दे चुकी हूँ, जहां पे मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स एंड टीचिंग कंडक्ट किए. मोर देन 10,000 मैन आवर्स मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ और मैंने बहुत सारे रिसर्च एंड रिव्यू पब्लिकेशंस किए हैं, मोर देन 12 पब्लिकेशंस है और मैंने ऑलरेडी बुक भी पब्लिश की है जो बेस्ट सेलिंग ऑथर की बुक है. एंड इसके अलावा मैं ऑलरेडी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज ले चुकी हूँ एंड वन ऑफ द सर्टिफिकेट विच आई एम शोइंग यू ओवर हियर इज आई एम सर्टिफाइड फॉर वेट मैनेजमेंट एंड स्लिमिंग थेरेपीज, जहां पे मैंने मोर देन 80 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग दिया है. So, ladies and gentlemen, I'm also associated with most of the celebrities and most of the influencers. You can see in the pictures, I'm associated with Abhishek Bachchan ke saath main jud chuki thi pehle. Directly or indirectly, I'm also associated with Sunil Shetty, Sunil Tulsiani, Sneh Sir, Mandira Bedi ji. You can see Sonu Sood. Bahut sare aise celebrities hai jinke saath main directly, indirectly associate ho chuki hu. एंड मेरा जो मिशन है आज का जो ये वर्कशॉप है, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये करने का मेरा मेन वजह ये है कि आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ 10 लाख पीपल. उनकी हेल्थ को मैं ऐसे सुधारना चाहती हूँ ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. सो दिस इज माय मिशन, लेडीज एंड जेंटलमैन. और जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, वेट लॉस की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, मैं यह बताना चाहती हूँ सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब हमें वेट लॉस करना रहता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ चलता है? हमारा राइट ब्रेन चलता है एक चीज पे, वो है हमारा वजन. हमारा दिमाग जो चलने लगता है वो वजन पे चलने लगता है कि हमारा वजन कितना है. और उसके साथ साथ हमारा लेफ्ट ब्रेन जो चलने लगता है वो है अपनी हाइट के बारे में. भाई मेरी हाइट इतनी है तो मेरा वजन इतना होना चाहिए, मेरा वजन और हाइट बैलेंस में है कि नहीं है, तो वहां पे हमारा दिमाग बहुत चलता है. तो उसके लिए अगर आपका वजन मानो कि 40 केजीज है या 50 केजीज है या 70 केजीज है, आप कैसे बोल पाओगे कि मैं ज्यादा ओबेज हूं या नॉर्मल हूं या अंडरवेट हूं? पता कैसे चलता है कि वेदर द पर्सन इज इन अंडरवेट कैटेगरी, ओबेस कैटेगरी या नॉर्मल है? तो इसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बोलते हैं BMI. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्क्रीनशॉट ये फॉर्मूला का ले सकते हो. सो BMI का फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट इन मीटर्स. तो ये फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करोगे आपका वेट, मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, आपका वेट 55 केजी है, 55 केजीज आपका वेट है और आपकी हाइट है 5 feet 3 inches. तो 5 feet 3 inches को आप कन्वर्ट करोगे मीटर्स में, तो मीटर्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा राउंड अबाउट 1.6 मीटर्स में अगर कन्वर्ट करोगे. सो हाइट That is meter square में करना है, तो 1.6 multiplied by 1.6.
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पूरा फॉर्मूला का कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा राउंड अबाउट 21. नाउ व्हाट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग, सपोज यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया है 21 आया, तो 21 को आपको ये वैल्यूज जो दी है वहां पे देखना है कि 21 वैल्यू कहाँ पे फिट होता है. तो दिट इज इन नॉर्मल. अगर आपकी वैल्यू 30 आई तो आप ओबीस की कैटेगरी में है. अगर आपकी वैल्यू 40 आई तो यू आर एक्सट्रीमली ओबीस, जहां पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि आपको वजन उतारना बहुत जरूरी है. अगर वजन नहीं उतरेगा तो धीरे धीरे कोमॉर्बिड कंडीशंस बढ़ सकती है. वजन ज्यादा होने के कारण आपको ओबेसिटी जो है उसके होने के कारण आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसे बहुत सारी डिजीज है जो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अभी पहले हम जानते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि बॉडी वेट जो अपना है वो कौन कौन सी चीज की वजह से हमारा बॉडी वेट आता है. आपका अगर 60 केजीज है या एग्जांपल 75 केजीज है तो वो कौन कौन सी चीज बॉडी में है जिसकी वजह से 70, 75, 80 या तो फिर आप 50 केजी जो वजन आता है वो क्यों आता है. तो अपना जो बॉडी वेट है उसका वजन जो होता है दैट इज डिपेंडेंट फर्स्ट ऑन बोन्स, कि अपने बोन्स कितने स्ट्रॉन्ग है. नंबर टू जो है वो है बॉडी फैट भी डिटरमाइन करता है कि बॉडी वेट कितना है. नंबर तीन पे है मसल्स, यस, जिसको हम बोलते हैं मांसपेशियां. सो मांसपेशियां भी डिटरमाइन करेगी कि बॉडी वेट कितना है. लास्ट में जो आएगा वो है आपके ऑर्गन्स, जैसे किडनी, लीवर, स्टमक, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स है. वो ऑर्गन्स का भी कुछ ना कुछ वजन रहता है, उसके ऊपर भी निर्धारित रहता है कि आपका बॉडी वेट कितना है. अभी आज के जमाने में जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं तो हम इस लाइफस्टाइल में जीते हैं जहां पे अपना बोन डेंसिटी ज्यादा नहीं बट कम होता है. बोन्स बहुत ही वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है. हमारा बॉडी फैट इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए पर हमारा बॉडी फैट नॉर्मल से भी ज्यादा बन हो जाता है, जहां पे हम अनसेचुरेटेड फैट और सेचुरेटेड फैट का रेशियो भूल जाते हैं और अनहेल्दी फैट ज्यादा ले लेते हैं. एंड अगर मसल्स भी जो हेल्दी रहने चाहिए तो वो मसल्स हमारे लॉस हो जाते हैं और कम हो जाते हैं. और जब वेट लॉस की जर्नी में हम लोग चलते हैं तब इतना ध्यान जरूरी रखना लेडीज एंड जेंटलमैन कि वेट लॉस करते करते आपका मसल लॉस नहीं होना चाहिए. मसल लॉस हमेशा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने देखा वो वजन लॉस तो वो लोग करते हैं लेकिन मसल लॉस भी हो जाता है. तो मुझे बोलना पड़ता है कि यू नीड टू डू सम एक्सरसाइज ऑल्सो फॉर मसल्स. सो ये आपका बॉडी वेट हो गया. अभी लेडीज एंड जेंटलमैन एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, थ्री इडियट का बहुत फेमस डायलॉग. अब सबको पता होगा कि रेंचो बाबा ने यह डायलॉग बोला था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. तो यही डायलॉग आपके दिमाग के अंदर फिट करना है और ये याद रखना है हमेशा कि हमें वेट लॉस के पीछे नहीं भागना है बट हमें जो भागना है वो हेल्दी हैबिट्स के पीछे भागना है. हैबिट्स का पीछा करोगे तो क्या होगा, वेट लॉस झक मार के आपके पीछे आने वाली है. सो ऑलवेज रन बिहाइंड द गुड हैबिट्स एंड नॉट बिहाइंड द वेट. ये जो स्टेटमेंट है दिमाग में फिट कर लो, हैबिट से ही वेट लॉस होगा. अच्छी आदतें डालोगे तो वेट लॉस आसानी से कर पाओगे. तो हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी हैबिट्स में आपका आने वाला है आपका खाना पीना अच्छा रहना चाहिए. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको पिज्जा नहीं खाना है, आपको बर्गर नहीं खाना है. यू कैन हैव पिज्जा एंड बर्गर बट इट शुड बी इन अ बैलेंस्ड वे. बैलेंस्ड वे मीन्स मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि आप अगर 80% हेल्दी फूड खाते हो या 90% हेल्दी फूड खाते हो तो 10% आपका हक बनता है कि आप चीट मील भी कर सकते हो. बट ऑलवेज यू शुड बैलेंस योर मील. सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करना है, उसके साथ साथ हेल्दी हैबिट्स ऑफ एक्सरसाइज भी डेवलप करना है.
एंड उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करना है जो हेल्दी रहनी चाहिए। टाइम पे सोने का, ज्यादा देर तक लैपटॉप पे नहीं बैठने का, स्क्रीन का यूज कम करने का, सो दैट ऑल कम्स इन हेल्दी लाइफस्टाइल। स्ट्रेस को कम करने का, सो दैट कम्स इन लाइफस्टाइल। सो व्हेन ऑल दिस थ्री पैरामीटर्स, अगर आपकी हैबिट्स अच्छी रहेगी तो वेट लॉस झक मार के आने वाला है लेडीज एंड जेंटलमैन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको? टाइप यस इन चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस यस यस, वंडरफुल वंडरफुल। आर यू एंजॉइंग द सेशन लेडीज एंड जेंटलमैन? इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन यस लिखिए कि यस वी एंजॉय, एंजॉय लिखिए अगर यू आर एंजॉइंग द सेशन माई डियर। And yes, 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 wonderful, wonderful. Okay, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि healthy habits कैसे develop करते हैं और ये कौन कौन सी healthy habits रहती। And specially today I am going to focus mainly on the eating habits, कि आपकी eating habits कैसी होनी चाहिए ताकि आपका weight loss आसानी से हो जाए। तो number one पे आता है start ट्रैकिंग। सो यू शुड स्टार्ट ट्रैकिंग। आप क्या खाना खाते हो, आप क्या पानी पीते हो, कितना आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, एक नोट पैड लीजिए। नोट पैड पे डेली आप लिखना चालू कर दीजिए कि सुबह से शाम तक मैंने कितना खाना खाया है। लिस्ट डाउन कीजिए, मैंने लंच में कितना खाया, मैंने स्नैक्स में कितना खाना खाया, मैंने डिनर में कितना खाना खाया। और एट द एंड जब आपका एक हफ्ता खत्म होगा तब आपको पता चलेगा, ट्रैकिंग और एनालाइज जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना जंक फूड खाया है, कितना अनहेल्दी फूड खाया और कितना हेल्दी फूड खाया। आप मानते हो कि मैंने दो ही बिस्किट खाई है, दो बिस्किट करते करते आप एट द एंड ऑफ द वीक आप देखोगे तो आपके कितने सारे बिस्किट्स के पैकेट हो जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन आप जब एनालाइज करोगे तब आपको पता चलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप जब नहा के बाहर निकलते हो तो सबसे पहले आप आईने में देखते हो, आईने में देखते हो कि मैं बराबर से मेरा बाल बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, मेरी लिपस्टिक ठीक से है कि नहीं है, मैंने कपड़े ठीक से पहने हैं कि नहीं, इनशर्ट ठीक से हुआ है कि नहीं, मेरा बेल्ट ठीक है कि नहीं है। ये सब आप चेक करते हो एक्सटर्नली, आप जब चेक करते हो कि मेरा ये सब ठीक है कि नहीं, तो व्हाई डोंट यू ट्रैकिंग इनसाइड। आप अंदर क्यों नहीं चेक करते कि जो खाना मैं खा रहा हूँ, जो खाना मैं खा रही हूँ वो ठीक है कि नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर हियर? दिस डू यू फाइंड दैट दिस इज एन इंटरेस्टिंग लर्निंग फॉर यू? कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको ये? डू यू फाइंड दैट इफ यस देन टाइप वाई इन चेक बॉक्स। यस यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसी तरह से ट्रैकिंग करने से आपको पता चलेगा कि आप किधर कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड एट द एंड ट्रैकिंग करने का सबसे ज्यादा फायदा आपको क्या मिलेगा पता है? आप माइंडफुल हो जाओगे, आप ज्यादातर माइंडफुल हो जाओगे। एंड ये सर्वे बता रहा है कि 88% जो पीपल है ना, उन्होंने सिर्फ 7 दिन में, ओनली इन 7 days दे हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर वेट। That is 88% of people, ये सर्वे बोल रहा है। तो इसके साथ साथ आप बहुत ही माइंडफुल हो जाओगे कि आपको कैसे खाना है या कैसे नहीं खाना है। आप आपकी मिस्टेक्स को आराम से निकाल पाओगे, आप अकाउंटेबल हो जाओगे, आपको मोटिवेट मिलेगा कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना नहीं खाना है। तो आप आराम से प्लानिंग कर पाओगे, मुझे हफ्ते में 3 बार बाहर नहीं खाना है, हफ्ते में 1 बार ही खाना है, क्योंकि बहुत जल्द हो जाते हो। सो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। सो दीज आर द फूड ट्रैकिंग मेथड्स। नंबर दो, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लास्ट वेबिनार में भी ये बताया था कि ऑलवेज फोकस ऑन द न्यूट्रिएंट रिच फूड। इसके लिए मैं फॉर्मूला दे रही हूँ जो लास्ट वेबिनार में भी मैंने दिया था, दैट इज हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट अपॉन कैलोरी। सो ऑलवेज सी कि आप कौन सा खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है या कैलोरीज ज्यादा है। सो ऑलवेज प्रीफर जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है और कैलोरीज कम है। सो वेरी गुड एग्जांपल मैं वापस यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आप नाश्ता करते हो और नाश्ते में सुबह सुबह आप बिस्किट्स खाते हो, दो बिस्किट में आपका पेट नहीं भरने वाला है, वो सबको पता है, दो बिस्किट से कभी भी पेट नहीं भरता। लेकिन दो बिस्किट जब आप नाश्ते में खाते हो उससे आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज जाती है? 350 कैलोरीज। और उसकी जगह पे आप हमारा इंडियन फूड दैट इज कॉल्ड एज पोहा खाओगे तो उसमें आपको 150 कैलोरीज मिलेगी। सो यू कैन सी कि कहां
कहाँ पे न्यूट्रिशन ज्यादा है और कहाँ पे कैलोरीज ज्यादा है. सो यू नीड टू सी कि न्यूट्रिएंट रिच फूड हमें ज्यादातर लेना चाहिए ताकि आपको पेट भरा हुआ लगे. बिस्किट खाने से पेट नहीं भरने वाला है, सिर्फ कैलोरीज ही बढ़ने वाली है आपकी. नंबर टू, आई एम ऑल्सो गिविंग वन अनदर एग्जाम्पल. जब हम मूवी देखने जाते हैं, जब हम नेटफ्लिक्स पे बैठते हैं सीरीज देखने के लिए, तब आराम से हम चिप्स का पैकेट खा लेते हैं और चिप्स में देखो कितनी कैलोरीज है. जितनी एक लंच के टाइम पे कैलोरीज रहती है, इतनी छोटी सा 10 रुपए के पैकेट में रहती है 547 कैलोरीज. उसकी जगह पे अगर आप एप्पल लेके जाओगे मूवीज में, तो आपको कैलोरीज कितनी मिलेगी? 100 ग्राम एप्पल में सिर्फ रहेगी 52 कैलोरीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, 52 कैलोरीज. सो ऑलवेज प्रिफर न्यूट्रिएंट रिच फूड. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अभी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट आंसर में, ऐसा कौन सा फूड है जिसमें कैलोरीज आपको नहीं मिलेगी? आपको सिर्फ नाम बताना है ऐसे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको कैलोरीज नहीं मिलेगी. कौन सी ऐसी चीज है, कोई बता पाएगा? एनीवन इन द चैट बॉक्स? वाटर. बट न्यूट्रिशन नहीं है उसमें. वाटर, वाटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वाटर इज देयर जिसमें कैलोरीज नहीं है, बट न्यूट्रिशन नहीं है उसमें. वाटर विल नॉट गिव यू द न्यूट्रिएंट्स. बट इसके अलावा मैं जो बोल रही हूँ, दैट इज रिलेटेड टू फाइबर. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप फाइबर आपकी फूड में डालोगे, आपके डाइट में जब आप फाइबर डालोगे, तो आपका पेट आराम से भरने वाला है. फाइबर आप देखोगे, फाइबर का मतलब मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जब आप जूस निकालते हो और ये जो जूस के नीचे जो पल्प बच जाता है, जो सॉलिड पेस्ट बन जाता है जब छानने के बाद, वो सॉलिड पेस्ट को बोलते हैं फाइबर. वो कचरा जो बोलते हो आप लोग, उसको कचरा बोलते हो, बट वही कचरा बॉडी का कचरा निकालता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, यस, दैट फाइबर इज ओनली गोइंग टू रिमूव ऑल द कचरास फ्रॉम द बॉडी. सो फाइबर मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर डाइट. मैं यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि फाइबर के रिलेटेड आप क्या कर सकते हो. आप सोच रहे हो मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं तो हेल्दी फूड ही खाती हूँ, लंच के टाइम पे रोटी सब्जी दाल और कुछ नहीं, इट्स अ हेल्दी फूड फॉर मी. बट यू आर मिस्टेकन माय डियर, यू ऑल आर मिस्टेकन. आपको इंक्लूड करना है एक चीज, दैट इज सैलेड. सैलेड आप ऐड कर दो, ओनली 19 और 20 का फर्क है, लेकिन ये 19 और 20 का फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है. आप सैलेड जब इंक्लूड करेंगे और आप सैलेड जब सबसे पहले खाओगे, तो आपका जो फाइबर वाला जो है ना कंटेंट, वो पूरा पेट में जाएगा और आपको वो फाइबर ही आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव करेगा और आपको वजन कम करने में हेल्प करेगा. सो यू कैन इंक्लूड वेजिटेबल्स, यू कैन इंक्लूड फ्रूट्स, यू कैन इंक्लूड नट्स, यू कैन इंक्लूड सीड्स, यू कैन इंक्लूड ऑल दिस फाइबर रिच फूड इन योर डाइट. नेक्स्ट मैं जो बताने वाली हूँ जिससे कि आप आपका कैलोरीज को कम कर सकते हो, वो है प्रोटीन. हमेशा आपके हर एक मील में, आइदर इट इज योर ब्रेकफास्ट, इट इज योर लंच और इट इज योर डिनर, ऑलवेज इंक्लूड प्रोटीन इन योर मील. सभी मील में आपके प्रोटीन आने ही चाहिए. मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, हम लोग नाश्ते में क्या करते हैं, पोहा खाते हैं. पर पोहा में क्या रहता है, पोहा स्लाइटली प्रोसेस्ड हो जाता है. तो वो स्लाइटली प्रोसेस होने की वजह से उसमें क्या होता है कि थोड़ा न्यूट्रिशन कम मिल जाता है और आपको भूख जल्दी लग जाती है. कार्ब्स है उसमें तो भूख जल्दी लग जाती है. लेकिन अगर वही पोहे में थोड़े वेजिटेबल्स डाल दोगे, थोड़ा मटर डाल दोगे, थोड़ा टमाटर डाल दोगे, थोड़ा स्प्राउट्स डाल दोगे, थोड़ा चने डाल दोगे, तो क्या होगा कि आपका कार्ब्स कम जाएगा और प्रोटीन ज्यादा बढ़ेगा. और जब आप प्रोटीन लोगे तो उसकी वजह से आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, आपको सैटिएटी फील होगी, एंड दैट इज द रीजन विच विल हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी. सो छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाने की बहुत जरूरी है. हमें लगता है कि हम लोग हेल्दी खाते हैं, बट माइनर चेंजेस आर स्टिल रिक्वायर्ड विच विल हेल्प यू इन द जर्नी ऑफ योर वेट लॉस. द नेक्स्ट इज ऑलवेज अवॉइड रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड. यहाँ पे मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने वाले हूँ रिलेटेड टू राइस. हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज में डॉक्टर ने राइस छोड़ने के लिए बोल दिया. क्यों डॉक्टर बोलते हैं कि राइस नहीं खाओ? राइस इज अ वेरी हेल्दी फूड. बट आजकल जो हम राइस खा रहे है वो टोटली रिफाइंड हो चुका है, पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं. आप अगर हैंड पाउंडेड राइस खाओगे, अगर सिंगल पॉलिश खाओगे, या तो फिर आप ब्राउन राइस खाओगे, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन रहता है. लेकिन हम लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं जो रिफाइंड हो जाते हैं, जो प्रोसेस हो जाते हैं. उसकी वजह से डॉक्टर हमें बोलते हैं कि चावल खाना बंद कर लो, वेट लॉस में डायबिटीज में है तो चावल खाना बंद कर दो. सो दिस इज द मेन रीजन वाई वी शुड अवॉइड रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड.
एंड वी कैन ऑल्सो अवॉइड मैदा, वीट एंड मैदा. वीट को और रिफाइन करने के बाद मैदा बनते हैं और ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है एंड वो क्या बॉडी में प्रोसेस होगा, इट इज गोइंग टू एड नथिंग टू योर बॉडी एक्सेप्ट कैलोरीज. सो दैट इज द रीजन वी शुड ऑलवेज अवॉइड द रिफाइंड एंड प्रोसेस फूड. लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हाथ ऊपर किया है. आई विल आंसर योर क्वेरीज एट द एंड. लेट मी कंप्लीट माई सेशन राइट नाउ. एंड में मैं सबका आंसर देने वाली हूँ. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स मोर. लेट मी कंप्लीट द सेशन. द नेक्स्ट पॉइंट विच वी मिस इट इज पानी पीना. हम लोग बहुत पानी कम पीते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ट्रैक करना चालू करो. दिन में कितना पानी पिया, एक ग्लास, दो ग्लास, पांच ग्लास, छह ग्लास, आप ट्रैक करोगे तो पता चलेगा मैंने कितना लीटर पिया. ग्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, लीटर इंपॉर्टेंट है. अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर्स एवरीवन शुड ड्रिंक वाटर. एवरीवन 2.5 लीटर्स. ग्लास को मत दीजिए, क्योंकि ग्लास 100 ml का भी आता है, 200 ml का भी आता है, 500 ml का भी आता है. सो डोंट कंसीडर द ग्लास. ड्रिंक 2.5 लीटर ऑफ वाटर डेली इन योर बॉडी, विच विल हेल्प टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. टॉक्सिन्स निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक वेट लॉस होना चालू हो जाएगा. कैलोरीज बर्नआउट कर लेता है, आपकी फैट जो रहती है फैट को बर्नआउट कर लेगा फटाफट से, और आपका डाइजेशन भी फास्ट हो जाएगा. डाइजेशन फास्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वेट लॉस इजिली होने वाला है. देन अवॉइड हिडन शुगर्स. ऑलवेज अवॉइड हिडन शुगर्स. एक फेमस बुक है जो डॉक्टर डेविड, मिस्टर डेविड ने लिखी हुई है, स्वीट पॉइजन. तो ये बुक में बोला गया है कि शुगर इज अ स्वीट पॉइजन, जहां पे उसको ड्रग्स के साथ कंपेयर किया गया है, हेरोइन के साथ कंपेयर किया गया है. इसमें कुछ नहीं है, जीरो न्यूट्रिशन, ओनली कैलोरीज. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई वांट टू गिव यू वन गिफ्ट टू यू ऑल. आर यू ऑल रेडी टू एक्सेप्ट दैट गिफ्ट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट गिफ्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेटिंग फॉर यू. टाइप यस इन द चैट बॉक्स. यस यस यस. और आज मैं आपको ऐसे गिफ्ट देने वाली हूँ, दैट इज 61 डिफरेंट नेम्स ऑफ शुगर. आप जब डीमार्ट में जाते हो, आप जब बिग बास्केट कहीं पे भी जाते हो ग्रोसरी शॉप में, और आप जब खरीदते हो पीछे देखना शुगर नहीं लिखा रहता है, बट शुगर के अलग अलग नाम लिखे रहते हैं, दैट इज इनडायरेक्टली द शुगर. सो दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द शुगर विच आई एम गिविंग यू ऑल. आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये सारे शुगर से बच के रहो. अलग अलग उसके नाम है. उसमें बहुत कॉमन है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बहुत कॉमन है. बाकी बहुत सारे ऐसे शुगर्स के नाम है जो आराम से आपको पैकेज फूड के पीछे दिखाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये शुगर्स है. सो दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. एंड लास्ट एंड फाइनली, जो हम सब लोग मिस करते हैं, अभी भी कुछ लोग मैं देख रही हूँ, कुछ दे आर जस्ट जंपिंग द, उसका दिमाग इतना से हड़बड़ा रहा है, दे आर इन फ्रस्ट्रेशन. Always they are in frustration. अभी कुछ आएगा, अभी कुछ मैडम बोलेगी और कुछ बोलेगी. ये तो हमें पता है, ये क्या नया बोला, ये तो सब पता ही है. मैडम सर सबको पता है. गूगल पे देखोगे तो गूगल पे भी बता देंगे आप, यूट्यूब पे भी बता देंगे. बट इम्पोर्टेंट क्या है, क्या आपने फॉलो किया ये चीज पता है तो, या सिर्फ उसका आचार बनाया. सो इम्पोर्टेंट इज दैट कि आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो. सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डोंट रन हियर एंड देयर. यू ऑल्सो नीड टू रिलैक्स एंड रेस्ट. सबसे जरूरी ये भी है कि हर चीज के पीछे भागा मत करो. आज की भागा भागी की दुनिया है, पकड़म पकड़ी की दुनिया है, बट थोड़ा रिलैक्स करने की भी जरूरत है. सो रिलैक्स एंड रेस्ट. स्ट्रेस मत लो. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो वेट लॉस में हेल्प करेगा. 99% मैं बोलती हूँ कि लोग यहाँ पे मिस आउट करते हैं. सब चीज फॉलो करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, बट रिलैक्स एंड रेस्ट होता ही नहीं है. और 99% ऐसे होते हैं. और अगर फिर भी कोई यहाँ पे ऐसे कोई महान हस्ती है जो बोलेंगे कि मैं रिलैक्स एंड रेस्ट में हूं, तो मैं उनका चरण पकड़ती हूँ और बोलती हूँ कि आप कौन से ग्रह से आए हो पता नहीं, बाकी ये दुनिया में सब लोग भागम भागी ही करते रहते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप आदतों को बदलाव करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी. और जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, आपका वेट लॉस होगा. और जैसे ही वेट लॉस होगा, यू विल बी हेल्दी. सो आपको वेट लॉस करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको आदतों का
बदलाव लाने की जरूरत है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम ये जो पॉइंट्स बताए उसमें से एटलीस्ट एक एक हैबिट डेवलप करोगे, एनी वन हैबिट। हु आर कमिटिंग मी, कोई भी एक हैबिट कौन सा बदलाव लाओगे, टाइप इन चैट बॉक्स कौन सी हैबिट डेवलप करना चाहोगे आज के बाद। All habits, wonderful, Meenakshi, all habits. कौन है ऐसे जो एक habit तो करोगे, एक habit. Wow, some are writing two habits, some are relaxed. Wow, wonderful, wonderful, wonderful. At least आप एक महीने तक नहीं, 15 दिन तक नहीं, but at least 15 days भी नहीं बोल रहे हो, सिर्फ 8 दिन के लिए आप follow करोगे ना, जरूर आपके अंदर weight loss होना चालू होगा, जरूर। मैं गारंटी देती हूँ कि यू विल फाइंड चेंजेस इन योर सेल्फ, एंड आई होप सो यू एंजॉयड माय सेशन। एंड जैसे ही मैं लास्ट में आपको ये बताने वाली हूँ कि होली, ये जो होली है वो आने वाली है, एंड होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और मैं ये सबको विश करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ भी कलरफुल हो, और लाइफ कलरफुल रहने के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ साथ मिलके, हम सब साथ मिलके आज लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए एक प्लेज लेते हैं, दैट इज वी विल ऐड अवर प्लेट्स, अपनी प्लेट में जो है वो कलर्स डालने वाले हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स के, अलग अलग फ्रूट्स के। सो आई विश यू अ हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड मैं ऐसा एटलीस्ट मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि आप सब लोग आपकी प्लेट में आज से कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डालना चालू कर दोगे, एक मिल में तो चालू कीजिए। सो आई विश यू ऐड मोर कलर्स इन योर प्लेट, जिससे कि आपकी लाइफ और कलरफुल हो जाए, और वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन्स आई विश देम अ हैप्पी वुमेन्स डे। एंड वुमन एक पिलर रहती है, घर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जो पूरी फैमिली को हैंडल करती है, राइट? तो अगर वुमेन हेल्दी रहेगी तो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। तो दिस इज फॉर वुमेन कि अगर वुमेन हेल्दी रहना चाहती है तो प्लीज प्लीज स्टार्ट एडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स। तो हेल्दी आप रहोगे तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स। सो होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, एंड आपकी जो क्वेरीज रहेगी, आपने जो हाथ ऊपर किए हैं, मैं आपका आंसर श्योरली दूंगी एट द एंड ऑफ द सेशंस। तो जुड़े रहिए, अभी नेक्स्ट हमारे साथ जो आने वाले हैं वो है मिस्टर गौरव, एंड आई एम हैंडिंग ओवर माय सेशन टू मिस्टर गौरव। थैंक यू डॉक्टर चार्मी फॉर वंडरफुल सेशन, बहुत कुछ नया लर्निंग मिला, और मेरे जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा तो चलेगा, अगर इफ यू हैव परमिशन आप दे रहे हो तो टाइप यस, आपको मजा आ रही है, थोड़ा लंबा चलेगा तो चलेगा, तो आप टाइप यस करिए, क्योंकि अभी बहुत इम्पोर्टेंट, अभी जो फिटनेस और वेलनेस का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गौरव जी अपनी एक स्टोरी शेयर करेंगे जिससे आपको आइडिया आएगा कि इमोशन और माइंडसेट का क्या रोल है। गौरव जी जो बहुत माने हुए कैलिस्थेनिक कोच है इंडिया के, जो बॉडी वेट ट्रेनिंग देते हैं, मतलब घर में ही आप एक्सरसाइज करिए, कोई आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो मैं गौरव जी को बोलूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन दे, और मैंने एक व्हाट्सएप की लिंक शेयर की है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वो ग्रुप में हमारा प्रीमियम क्लब है, हेल्थ क्लब है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। मैं फिर से शेयर करता हूँ चैट में, उसमें हमारे आने वाले वेबिनार के नोटिफिकेशन और बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी डिटेल आएगी, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हैंडिंग ओवर टू गौरव जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुंजीत, थैंक यू सो मच डॉक्टर चामी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सभी लोगों का इस वेबिनार में वेलकम है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन किया। और जहां तक रही बात एक्सरसाइज की, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज्यादा बात ना करूं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम सबको पता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं वेट लॉस की जो जर्नी है वो अपने एक कहानी के थ्रू आप लोगों को चाहता हूं कि मैं बताऊं। वेट लॉस कई लोगों ने किया है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बट मैंने काफी कुछ लर्निंग सीखा है, काफी कुछ सीखा है मैंने इस जर्नी में। और दोस्तों ये जो जिंदगी है ना, ये खुद की गलतियों से सीखना बहुत कम होता है, हम दूसरों की गलती से भी सीखेंगे ना तो वो हम सबके लिए अच्छा होता है।
तो चलिए हम इस जर्नी को शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सबके सब अच्छे से अपने सीट पे सीधा बैठ जाए और चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कुराहट लेकर के आए और इस कहानी को एंजॉय करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं एक नॉर्मल गाय था। 2002 में मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया और इन द सेम ईयर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एनरोल किया और 2006 में पास करने के बाद मुझे आईटी इंडस्ट्री में मेरी जॉब लगी। इट वाज ऑल गुड, बट एक माइनर सा प्रॉब्लम था जो कि आगे चल के काफी मेजर हो गया। प्रॉब्लम क्या था? आई डेवलप्ड बैड हैबिट्स। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड आप लोग सब समझ सकते हैं मैं किन किन बैड हैबिट्स की बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम ओवर ईटिंग वॉज लाइक माई न्यू फाउंड हॉबी। बहुत मजा आता था खाने में, मतलब यहां तक खाना है, मतलब छोड़ना ही नहीं है, खा लो बस, ये वाला हिसाब किताब था। खैर, हैबिट्स बुरी हुई, एंड रिजल्ट भी बुरा हुआ, आप देख सकते हैं। और हम सबके अंदर चेंजेस तभी आएंगे जब हम चेंजेस लाना चाहेंगे, और वो होता है सेल्फ अवेयरनेस से। मुझे सेल्फ अवेयरनेस कैसे हुआ? काफी यंग एज में मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और जोश जोश में मैंने उस दिन बहुत बॉलिंग किया, बैटिंग किया, फील्डिंग किया। और जब वापस घर आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और नेक्स्ट थ्री वीक्स तक मैं बैक इंजरी से परेशान रहा। उसी दौरान मुझे अल्सर का भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि बैड हैबिट्स के कारण मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो गलत हो रहे थे at a very young age, and that's when self-awareness came into the picture. मैं अपने आप से बात करना शुरू किया कि ये कम एज में मुझे ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है, which is not good, right? And that is the starting point. हम सबके अंदर वो self-awareness होती है कि मेरा वेट ज्यादा हो गया है, मुझे ये हेल्थ इश्यूज है, एंड आई हैव टू ओवरकम माई हेल्थ इश्यूज, राइट? ये सेल्फ अवेयरनेस होना is the first step and it is one of the most important step. कई सारे लोग हैं जो मोटापा में है तो, but उन्हें कोई awareness नहीं है. They are like जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है. वो अपने दिमाग को ही अपना दुश्मन बना लिया है. तो आप सब लोग इस वेबिनार में हैं. I am 100% sure आप लोग already self aware हो अपने health को लेकर के. जैसा डॉक्टर गुंजीत ने बताया कि हाउ पे फोकस मत करिए, आप वाई पे फोकस करिए। जब वाई पे फोकस करेंगे ना तो अपना आपको हाउ अपने आप मिल जाएगा, राइट? सेम चीज हुआ मेरे साथ भी। मुझे इंजरी हुई, मुझे हेल्थ इश्यूज हुआ और मैं वही किया जो ज्यादातर लोग करते, मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन किया और 6 to 7 months में रिजल्ट्स भी आए, मैंने अपना वेट लॉस भी किया, बट उसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होना शुरू हो गया। मैं जिम जाता था कभी कभी नहीं जाता था, और मैं अपने आप से पूछता था कि मैं जिम जा क्यों रहा हूं। तो उसका रीजन ये था क्योंकि मैंने पैसा जमा किया हुआ है भाई, जाना पड़ेगा, साल का 15,000 है, दिया है, जाना है। सो दिस वॉज माई रीजन कि मैं जिम क्यों जा रहा हूं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं था। मैं बैंगलोर में था उस समय, मैं बैंगलोर में जब रहता था तो मैं जिम जाता था, बट कहीं अगर मैं बाहर निकल गया, अगर मैं अपने नेटिव आ गया तो मैं कोई वर्कआउट नहीं करता था। सो इट वॉज नॉट माई लाइफ स्टाइल, राइट? मेरा ये लाइफ स्टाइल इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे अपना वाई नहीं पता था कि मुझे ये करना क्यों है, राइट? सो हमें हमारा वाई मालूम रहे, इससे ये होगा कि जब हम अपने रास्ते से भटकेंगे ना तो हमारा वाई जो है वो हमारे सामने आएगा और वो हमें वापस हमारे रास्ते में लेके जाएंगे। मैं अपने आप से अगेन थ्रू सेल्फ अवेयरनेस ये पूछना शुरू किया कि बेटा गौरव, फिट तो रहना है लेकिन रहना क्यों है? और जब मैं ये सवाल अपने आप से बार बार पूछता रहा ना, कुदरत ने मुझे जवाब दिए। सीरियसली, वन फाइन डे मैंने एक मूवमेंट ट्राई किया जिसका नाम है हैंड स्टैंड, हाथ पे खड़ा होना। और जब मैंने ये मूवमेंट ट्राई किया ना, वो इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए, इतना चैलेंजिंग था कि मुझे लगा कि यार कुछ करूं या ना करूं, हैंड स्टैंड जरूर करूंगा लाइफ में। और बिलीव करिए, जहां से मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई है, हैंड स्टैंड से मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि मुझे था कि लाइफ में कुछ मिले ना मिले, हैंड स्टैंड तो चाहिए ही चाहिए। और यहां शुरू होती है मेरी कहानी की नेक्स्ट पहल, जो है माइंडसेट। दोस्तों,
आपको वेट लॉस करना है, आपको किसी भी क्रॉनिक डिजीज से बाहर आना है, आपको कोई टफ एग्जाम क्रैक करना है, आपको कुछ भी करना है, कोई भी काम का जो शुरुआत है ना वो सबसे पहले यहाँ से होता है, ये आपको भी पता है। आप लोगों ने खुद बहुत सारे ऐसे टफ काम किए होंगे जहां पे आपने पहले अपने माइंड को कन्विंस किया कि भाई ये तो करना पड़ेगा और फिर वो काम हुआ। बट बहुत सारे काम ऐसा होता है जहां पे हम नेगेटिव टॉक्स करते हैं अपने साथ कि अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो हम बहुत बिजी चल रहे हैं, अभी तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी तो बच्चे का एग्जाम है, अभी तो मतलब रिलेटिव्स आए हुए हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस जिसको हम अपने ही ऊपर एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर वो काम हम नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी जर्नी की शुरुआत सबसे पहले माइंडसेट से होती है। मैं हैंडस्टैंड को ऑलरेडी विजुलाइज कर लिया था कि मैं हैंडस्टैंड कर रहा हूं, मैं कर चुका हूं और मैं कर सकता हूं, राइट? तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा। क्या आप लोग इस बात को एग्री करते हैं कि सबसे पहला काम जो हम शुरू करते हैं वो अपने दिमाग से शुरू करते हैं? अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स पर टाइप कीजिए यस। लिली राजवानी, किशोर, नाव, हर्ष, नाइना, अमनदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज दोस्तों। माइंडसेट अगर हमारा स्ट्रांग है ना और हमारे पास वाई है ना, तो जर्नी कहीं ना कहीं आसान तो होती है, बट लाइफ तो ऐसी चलेगी नहीं, लाइफ तो यू होती है ना? और वहां पे दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है हमारे एटॉमिक हैबिट्स का। कई बार हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ करना है बट हम कर नहीं पाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप छोटा बदलाव पकड़ो, छोटा बदलाव। कोई जरूरत नहीं है कि अब मैंने 2 साल से वर्कआउट नहीं किया तो नेक्स्ट डे जाके मुझे जिम में 1 घंटा बिताना है, कोई जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, उसे 1 हफ्ता करो, नेक्स्ट हफ्ता 10 मिनट करो। जरूरी क्या है? कंसिस्टेंसी। छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ लंबे समय तक। मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मुझे वर्कआउट किए हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए थे, बट मैं सपना किस चीज का देख रहा था? हाथ पे खड़ा होने का। मैंने सबसे पहले दौड़ना शुरू किया, मेरा बॉडी कोप अप कर पा रहा था, अगर वो नहीं कर पाता तो मैं शायद चलना शुरू करता, बट मैंने सबसे पहले दौड़ना शुरू किया। मैं घर के बाहर निकलता था, मैं ये बात कलकत्ता की है, मैं सॉल्ट लेक में रहता था, मैं घर से बाहर निकलता था 5 मिनट्स के लिए, दैट्स इट। ये मेरी लर्निंग थी कि करना तो है बट मेरा फोकस होगा कंसिस्टेंसी पे, प्रोसेस पे, जर्नी पे, ना कि एंड रिजल्ट पे। मैं 5 मिनट के लिए दौड़ना शुरू किया, लिटरली नेक्स्ट मंथ मैं पुशअप्स करना शुरू किया, एंड आफ्टर 2 मंथ्स मैं वॉल का सपोर्ट लेके हैंड स्टैंड करना शुरू किया, एंड आफ्टर 1 ईयर मैं वॉल से हटा और मैं नॉर्मल हैंड स्टैंड करना शुरू किया, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब छोटी छोटी बदलाव को हम अपने जिंदगी में लाते हैं लंबे समय तक, कुछ अमेजिंग रिजल्ट होगा दोस्तों। बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जब हम अपने जर्नी में चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हम अपनी जर्नी शुरुआत करते हैं और फिर रुक जाते हैं, या कई बार तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि फिट तो रहना है, वो शुरू भी करते हैं बट कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है या फिर शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ वैसे इंसान हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स से प्लीज यस टाइप करिए। मैं देख रहा हूं आप लोगों का रिस्पांस। विजय पारमार, अमनदीप, लिली, नरेश कुमार ठाकुर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमें यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड अगर मैं बहुत प्लेन और सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जो हमारी डेली की हैबिट्स है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। बचपन से माँ बाप ने सिखाया कि बेटा ब्रश तो करना ही है, बड़े हुए तो समझ में आया कि ब्रश तो करना ही है। अब मैं अपने घर पे रहूं या कल होके बैग पैक करके मैं गोवा जाऊं,
मैं तो ब्रश करूंगा ही क्योंकि वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वेंट की तरह है, हम उसे जो बोलेंगे वो उसे सुनेगा, वो उसे मानेगा बिना सवाल किए। अब मैं तो पिछले 2 साल से वर्कआउट नहीं कर रहा हूं, अचानक से मैं कल वर्कआउट शुरू करूंगा, सुबह 6 बजे का अलार्म बजेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड जो 24/7 एक्टिव रहता है वो सामने आएगा और वो बोलेगा बेटा गौरव अलार्म बंद करो, सो जाओ, क्या कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हमने वैसे ही प्रोग्राम किया है। जब मैं 2 साल से हिला नहीं हूं, सिर्फ खाना ठूसा हूं, और अचानक से 2 साल के बाद मैं वर्कआउट करना शुरू करूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड तो सामने आके मुझे रोकेगा। और ये कैसे रोकता है? हम अपने आप को ही कन्विंस करेंगे। कैसे कन्विंस करेंगे? अरे अभी तो ऑफिस का डेडलाइन बहुत ज्यादा हो गया है, अरे अभी तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि घर पे रिलेटिव आए हुए हैं, भाई मेरे बच्चे का एग्जाम है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मैं अभी वर्कआउट नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को पता नहीं है कि ये उनका सबकॉन्शियस माइंड है जो सामने आ रहा है और उनके साथ गेम खेल रहा है। तो हम क्या करें? हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है और वो है प्रैक्टिस। किस चीज का प्रैक्टिस? अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का। कैसे हम रीप्रोग्राम करेंगे? छोटी छोटी हैबिट्स उठा के, छोटी छोटी हैबिट्स को पिक करेंगे, स्मॉल ड्यूरेशन तक करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब अलार्म बजेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे आज तो लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ वर्कआउट है, अरे आज तो मुझे पुलअप्स करना है। तो क्या हुआ? हमने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर किया। और जब रीवायर किया ना दोस्तों, तो हेल्थ गोल्स अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं रहती है। फिर पता है क्या होता है? जब हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं ना, तो हमारे न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, दिमाग के सेल्स को हम नर्व सेल्स कहते हैं। जब हम कोई एक हैबिट स्टार्ट करते हैं ना, वो कुछ नर्व सेल्स के बीच में कनेक्शन बनता है, और जब हम उसे लंबे समय तक करते हैं ना, तो वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम चीज हुआ मेरे साथ। मैं हैंडस्टैंड के जब जर्नी में उतरा, तो मुझे समझ में आया कि हैंडस्टैंड में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ शोल्डर, ऑफ रिस्ट, ऑफ स्पाइन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हिप्स और लेग्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेरे शोल्डर्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये मेरे बॉडी का लोड कहां से लेगा। बैलेंस ट्रेनिंग, हैंडस्टैंड इज ऑल अबाउट बैलेंस। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है। जब आप किसी चीज के पीछे पड़ते हैं इस तरीके से कि वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो ऊपर वाला भी ना आपको कहीं ना कहीं आके मदद करेगा। मुझे कुछ ऐसे अमेजिंग हैंडस्टैंड कोचेज मिले ऑनलाइन जिनका रेट काफी हाई है, बट उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया और मुझे समझाया इसके प्रोसेस के बारे में, और मैं खुद इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि फिर मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और मैं पूरे बॉडी के जॉइंट्स को पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। एक इंसान जो व्हील चेयर पे है, जो उठ नहीं सकता है, मुझे अगर उसे भी एक्सरसाइज करवाना है तो मैं कैसे करवाऊं? दोस्तों कंसिस्टेंसी की पावर बहुत ज्यादा है, इसे प्लीज कभी भी अंडरएस्टिमेट ना कीजिए। कंसिस्टेंसी एंड एटॉमिक हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स। एक छोटी हैबिट को जब मैं लंबे समय तक करूंगा ना, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे साथ हो चुका है ये, मैं कंप्लीटली अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि डिजायर तो हम करते हैं कि हमें फिट रहना है, बट क्या हम डिजर्व करते हैं? हम डिजर्व तभी करेंगे जब हम उसके पीछे प्लान करेंगे और एक्शन लेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। मुझे पता था कि मैं काफी बैड हैबिट्स के साथ जी रहा हूं, और मैं इसी बैड हैबिट्स के साथ जीऊंगा तो मैं हैंड स्टैंड क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे करना था क्योंकि मुझे कुछ वो चैलेंजिंग लगा, मुझे वो मूवमेंट अच्छा लगा, मैंने करना शुरू किया। पर उसको अचीव करने के लिए मुझे अपने खाने को, अपने सोने को, अपने वर्कआउट को काफी कुछ करना पड़ा, और तब जाके वो अचीव हुआ। इसलिए दोस्तों डिजायर तो करो ही करो, बट साथ में वो काम भी करो जिससे आप उस चीज को डिजर्व भी करो। और जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना,
तो जो हेल्थ गोल आपके जो दिमाग में है ना, वो एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है। अब कब हैंड स्टैंड करना शुरू कर दिया मैंने, मुझे खुद पता नहीं चला। मुझे पता है कि एक साल लगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस जर्नी को बहुत एंजॉय किया। जैसा डॉक्टर चार्मी ने कहा कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस के पीछे मत पड़ो, प्रोसेस के पीछे पड़ो, जर्नी के पीछे पड़ो, समझो कि क्या आप हर वो कदम उठा रहे हो अपने गोल की तरफ। अपने आप से सही सवाल पूछो, अपने आप से अच्छी बातें करो। आपके आपके बार आपके पास कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि आज आज जिम नहीं जाना या आज वॉकिंग पे नहीं जाना। आप कुछ ना कुछ रीजन देके अपने आप को कन्विंस करोगे। बट अगेन टेक स्मॉल स्टेप्स, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स को एक्नॉलेज करो कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रही है, नेगेटिव बातें चल रही हैं, विच इज नॉट गुड। I have to be consistent क्योंकि I have a very strong why. Health goals literally आपके by product हो जाएंगे और इससे ये होगा कि आप कहीं भी रहो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं literally अगर travel कर रहा हूं train में और train late हो गया है और train खाली है या फिर जो भी है, मुझे अगर थोड़ा सा stretching करना है तो मैं train में भी करूंगा। मैं ऑफिस से काम के लिए होटल गया हूँ, होटल पहुंचा हूँ सुबह 9 बजे, रात के 12 बजे मैं वापस होटल में आया हूँ, मुझे नेक्स्ट डे फिर ऑफिस जाना है, बट मैं सुबह 8 बजे उठ के 8 से 9 होटल के जिम में वर्कआउट करूंगा। मैं घूमने के लिए पहाड़ जाऊं या गोवा जाऊं या शिमला जाऊं या मनाली जाऊं, वर्कआउट मेरा लाइफस्टाइल है। जैसे मैं एवरीडे ब्रश करता हूं, वैसे मैं हफ्ते में 6 डेज वर्कआउट करता हूं, क्योंकि ये मेरे लाइफ का हिस्सा है और ये हमारा एक्सपर्टीज है कि हम लोगों को इस तरीके से लेके आगे बढ़े कि वो सिर्फ वेट लॉस ना करें, वो फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बना लें। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप मेरी कहानी से अपनी कहानी को रिलेट कर सकते हैं और इस जर्नी में आपको ये कहानी आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कहानी में आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी तो प्लीज चैट बॉक्स पर टाइप करके यस बताएं। आई एम सो हैप्पी टू हियर द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स। मैं इस स्लाइड पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट डॉक्टर चार्मी डॉक्टर कुंजीत ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। So quickly talking, मैं अभी भी अपने अल्टीमेट हेल्थ के तरफ काम कर रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा कि मैं परफेक्ट हूं और मुझे सारा एक्सरसाइज मालूम है और मैं अच्छे से सोता हूं, मुझे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं क्या खाना खा रहा हूं मुझे पता है, मेरे किचन और मेरे फ्रिज में अच्छा सामान है या खराब सामान है मुझे पता है, मुझे सब पता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। लाइफ जो है ना वो एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है। एवरी सिंगल डे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इम्प्रूव करने की। अगर मैं 1% भी इम्प्रूव करूंगा तो साल के एंड में आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ 365 टाइम्स मोर देन व्हेन आई स्टार्टेड। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख रहे हैं इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, फिटनेस आइकॉन है इंडिया के। इफ आई टॉक अबाउट द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ सुष्मिता सेन, वो हमारे देश की फिटनेस आइकॉन है। इतने सारे फिटनेस के सेलिब्रिटीज दिनों कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि मैं अगर वेट लॉस कर लिया तो मैं फिट हूं, मेरे सिक्स पैक एब्स हैं तो मैं फिट हूं, तो वो गलत है। 98% प्रॉब्लम आज के जमाने में स्ट्रेस से हो रही है। मैं डोला शोला लेके घूम तो रहा हूं बट पूरा दिन जो है मैं स्ट्रेस में हूं। आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट हेल्दी। मुझे अपने सारे हेल्थ के पैरामीटर्स को बैलेंस करके आगे लेकर के चलना होगा। क्या मैं डीप स्लीप सो रहा हूं 6 घंटा ही सही, क्या वो डीप है? हाउ एग्जैक्टली आई एम मैनेजिंग माय इमोशंस? लाइफ है तो प्रॉब्लम है, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम में हम 10 मिनट है, 10 घंटा है, 10 महीने है या 10 साल है। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। मूवमेंट, आप अपने मूवमेंट को पकड़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। और जैसे डॉक्टर गुंजीत ने बताया कि ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें सब पैरामीटर्स पे ध्यान देना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, पावर ट्रेनिंग।
और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हम जिम जाके ही कर सकते हैं, हम अपने घर के पीसफुल कॉर्नर पे बैठ के भी ये सारी चीजें कर सकते हैं और ये हमारा एक्सपर्टीज है। खाना डॉक्टर चार्मी ने ऑलरेडी बता रखा है। एनवायरमेंट, आप किन के साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो, वो आपके माइंडसेट को कैसा कर रहे हैं, आप पीसफुल हो आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपके फ्रिज में क्या है आपके किचन में क्या है, दोस्तों हम सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है और ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगी, स्मॉल स्टेप्स, याद रखिए इसे। कोई जरूरत नहीं है लंबा तीर मारने का एक बार में ही, छोटा स्टेप लेना है, लंबे समय तक लेना है, रिजल्ट झक मार के आएगा और फिटनेस आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। ये अगर मुझे तो सीरियसली यही पता है कि मेरे जैसा इंसान जिसके अंदर बैड हैबिट्स भरा हुआ था, अगर मैं कर सकता हूं तो लिटरली ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव जी, वंडरफुल, काफ़ी अच्छी अपनी स्टोरी शेयर की जो काफ़ी सारे लोगों से रिलेट करी ये स्टोरी, और आपको डॉक्टर फिटनेस और वेलनेस का। जी बोलिए डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी हु आई वाज, तो मैंने लोगों को बताया, बट हु एम आई नाउ, आई क्विकली वांट टू टेल एवरीवन हु एम आई नाउ, राइट? सो आफ्टर 15 इयर्स इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आई हैव फाउंड माई पैशन एंड माई पैशन इज ऑल अबाउट हैबिट्स लाइफस्टाइल एंड मूवमेंट, एंड दोस्तों नाउ विद इंडिया टॉप हेल्थ कोचेस I'm on this mission to help 10 lakhs people to improve their life through habits, lifestyle and movement. So thank you so much for hearing me. Patience ke saath aap logon ne suna. It really means a lot to me. I'm really, really grateful. Thank you so much. Over to you, Dr. Gunjit. थैंक यू गौरव जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका और ये आपकी स्टोरी काफ़ी सारे लोगों से रिलेट हुई है और काफ़ी इम्पैक्टफुल स्टोरी थी, और जो आपने फिटनेस और वेलनेस का कॉन्सेप्ट समझाया बहुत जरूरी है, जो ज़्यादातर तो लोग नहीं समझ पाते, तो फिटनेस और वेलनेस का, वेलनेस के लिए आपका प्रॉपर माइंडसेट और स्ट्रेटेजी होना जरूरी है, तो ये हमें आने वाले डॉक्टर मिस्टर मनीष जी है जो माइंड कोच है, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट के साथ जुड़े हैं और ये हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते, क्यों एक्शन हम नहीं ले पाते ये हमें मनीष जी बताएंगे। ओवर टू यू मनीष जी। थैंक यू डॉक्टर गुंजीत एंड वेलकम एवरीवन फॉर दिस सेशन व्हिच आई विल बी टेकिंग ऑन नो द सिंपल एंड इजी सीक्रेट टू वेट लॉस। जस्ट कंफर्म वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, visible. Perfect. Wonderful. So I will keep it very short, but very powerful. You're going to hear this. सभी ने अब तक कोचिस को सुन चुके हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना पीना है, कैसे करना है, सब कुछ सुन चुके हैं, लेकिन आके एक जगह पे हम अटक जाते हैं, वो और हमारा है ब्रेन, या तो हमारा माइंड होता है। तो वी विल टॉक मोर अबाउट द माइंड, या क्या है वो साइकोलॉजी, वो क्या है माइंडसेट, क्योंकि सब कुछ हमें पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते, वो कुछ हम स्लाइडों में समझेंगे यहाँ पे। सो आज का मेरा एजेंडा होगा इंट्रोडक्शन, मेरा एक प्रोसेस में बताऊंगा, जो प्रोसेस को आप फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी मैं दूंगा यहाँ पे प्रोसेस के बारे में। दो स्लाइड होंगी जो इंपॉर्टेंट स्लाइड होंगी, जो आप फोटोग्राफ या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोइंग बैक टू दिस इज व्हाट आई से इज अ ट्रांसफॉर्मेशन वेबिनार, क्योंकि यहाँ पे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वन भी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो सकता है और ग्रेविटेशनल को पार करके ऊपर जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशनल वेबिनार में बैठे हैं जस्ट टू शो द इन्फ्लुएंसर इन माय लाइफ मिस्टर दीपक चोपड़ा जी, जो डॉक्टर है, जितेंद्र अड़िया और नामी ग्रामी यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर रह चुके हैं, उनके साथ में कुछ सीखा हूं और वो कुछ मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। I speak normally on various platform. I visit engineering college क्योंकि मैं corporate HR head हूँ 25 years से and I go to this speaking business. So यहाँ just to show that I'm a Silva mind control, I'm certified Ho'oponopono advanced practitioner, जो आपने secret देखी होगी, जो Vitali उनके वहां से direct किया हुआ।
जैसे डॉक्टर जैसे कोच गौरव ने बताया वैसे ही मेरी भी जर्नी है, बट आई विल नॉट गो थ्रू द जर्नी, बट आई विल शो यू सिंपल टूल्स एंड टेक्निक जो आप अपने लाइफ में यूज करने से आपको उतना ही एडवांटेज मिला है जितना मुझे मिलेगा। सो यहाँ बिफोर आफ्टर के फोटोग्राफ देख सकते हैं आप, मेरा 94 kg था, आज 72 kg है। मैंने फायर वॉक किए है, ग्लास वॉक किए है, एंड रॉड बेंडिंग किए। ये कोई आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी सिंपल सीक्रेट टू वेट लॉस, ये आपने सीक्रेट में भी देखा होगा, और इसके बाद जो होगा वो मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम होता है जिसे मैं चार्ज करता हूँ, बट वो मैं आपको फ्री में आज देने वाला हूँ, क्योंकि आज आप संडे में वंडरफुल 80 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इसीलिए। सो ये 3-step प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, काफी लोगों को पता भी है, बट इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट स्टेप इज टू आस्क, पहले हमें आस मतलब के यूनिवर्स या तो भगवान या जो किसी को भी आप बिलीव करते हैं कि डिवाइन, उनको कहिए कि हमें क्या चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी आई वांट इन माय लाइफ। सो एक फोटोग्राफ, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल, जब मैं पतला था तब उस वक्त का फोटोग्राफ मिरर पे चिपका के उसे देखा करता था। सो फर्स्ट थिंग इज टू आस्क व्हाट वेट यू वांट टू हैव, वो पिक्चर कीजिए माइंड में कि मैं कैसे दिखाई दूंगा। So, वो एक हो गया। सेकेंड इज टू बिलीव, बिलीव बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं कोई भी चीज को तो वो आसान बन जाता है आपको पाने के लिए। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि ऑलरेडी आप वो पतले हो चुके हैं, तो आप इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए, आप प्रिटेंड करिए कि ऑलरेडी आप हो चुके तो कैसे चलेंगे, अगर आप पतले हो चुके हैं तो कैसे करेंगे, वो एक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब आप एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो धीरे धीरे प्रोसेस आपको चेंज करते जाएगा। एंड फाइनली द थर्ड स्टेप इज टू रिसीव, एंड रिसीव व्हेन वी से इज टू फील गुड, जब आप अपने आप को अच्छा फील करोगे तो वो प्रोसेस आसान होते जाएगा, और यूनिवर्स आपको वो रास्ते देते जाएगा जिस वजह से आप वो पा सकते हैं। सो एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करेंगे, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, तो ये मजा आने वाला है। राइट 5 पीपल्स नेम हु यू लव द मोस्ट, आपके जिंदगी में वो कौन लोग हैं उनके बारे में लिखिए। आप चाहिए तो नहीं चैट पे डाल सकते, पर पेन और पेपर लेके लिख सकते हैं, बट अगर आप शेयर कर सकते तो प्लीज शेयर कीजिए चैट में। Maybe it's my brother, maybe it's my dad, maybe it's my mom, maybe it's my son, daughter, friends, relative, कोई भी हो सकता है, coach हो सकता है, mentor हो सकता है, film star हो सकता है, कोई भी हो सकता है, but write 5 people's name who you love the most. Friends, be fast so that we can close it on time. Please, I would like to see the chat के लोग क्या लिख रहे हैं, me and my family. Amandeep ji, thank you very much. Komal ji, me, husband, daughter, dad, mother-in-law, wonderful, wonderful, wonderful friends. My son, excellent, Rahul ji, Lily, my family, myself, wonderful, 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 super. To sabhi ne, brothers, very good, brothers, boss, me and my family, Swami Ramdev, Modi ji, wonderful, me, wonderful. So, I would like to... जिन्होंने भी लिखा है और जो नहीं शेयर कर सकते, दैट इज ऑल्सो फाइन। मदर, फादर, सिस्टर एंड माई मेंटर अमनदीप जी, वंडरफुल। मीनाक्षी जी कहते हैं इंदु मासी, वंडरफुल 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 फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज एक्टिविटी करेंगे तो मजा भी आएगा आपको। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग पॉइंट हियर इज, सभी ने किसी ना किसी के बारे में लिखा है, बट कौन वैसे है जो टॉप में अपना नाम लिखा है, कौन है जिसने पहले नंबर पे अपना नाम लिखा है? मी हस्बैंड माय सन वंडरफुल, नो नो, माय मेंटर शिवांगी इन माय कंट्री, वंडरफुल वंडरफुल, इसने अपना नाम लिखा है। सो वेरी की एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल है लाइफ का, जो रूल है इट इज वेरी सिंपल, यू शुड लव योरसेल्फ।
सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल भी था कि जब आप एयरप्लेन में जाते हैं तो बोलते हैं कि आपातकालीन सिचुएशन में आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहनिए और फिर लोगों की मदद कीजिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर हियर इज फर्स्ट लव योरसेल्फ, देन यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. अगर आपका ग्लास खाली है तो आप किसी का ग्लास कैसे भर सकते हैं? आपके पास संतरे नहीं है तो आप लोगों को संतरे कहां से बांटोगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट. हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड हियर? प्लीज चेक. यस, व्हाट द पॉइंट आई एम ड्राइविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लव योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. सो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज नेक्स्ट लाइक व्हाट वी आर टेकिंग यू इज बहुत ही सिंपल. दो स्टेप्स एफर्मेशन जो आपको डेली करना है. आई लव माय सेल्फ, आप इसे बार बार जितने बार दिन में गुनगुनाएंगे, जितने बार बोलेंगे उतना ही बेटर होगा कि आई लव माय सेल्फ, ये एफर्मेशन आप बार बार बोलिए. सेकेंड इज एक मिरर एक्सरसाइज कीजिए. आईने के सामने जाइए, अपनी आंखों को आईने में देखिए और कहिए आई लव यू. आंखों में देखिए और कहिए आई लव यू. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरर एक्सरसाइज विच आई गिव इट टू माई क्लाइंट ऑल्सो, एंड आई हैव सीन द लाइफ चेंजेस नॉट ओनली विथ रेट टू वेट रिडक्शन बट अनेक अलग अलग इलनेसेस इससे दूर हुई है. व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, जब आप अपने बॉडी के हर एक इंच को अगर एक्सेप्ट करते हो 100% आपका बॉडी वेट रिड्यूस होगा. सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, इसे हमेशा चाहिए तो कहां पे चिपका के रखे, या तो अपने मन के अंदर कहिए आई लव माई सेल्फ. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू चैट आई लव माई सेल्फ. प्लीज माय फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ मेनी आर डूइंग दैट. आई लव माई सेल्फ, वंडरफुल. अमनदीप जी, Manish Sharma ji, wonderful. Lily, I love myself. And this you should remember, this will definitely help you to reduce your weight and also be happy. So this is a wonderful exercise. Mirror mein dekhke kahenge, unka 10x time effect badh jayega. Now let me take you to quick process of perfect weight. First, ये माइंडसेट से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है क्या खाना है, आपको पता है क्या पीना है, आपको पता है कितनी एक्सरसाइज करना, बट क्यों नहीं कर पाते, वो मैं स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूं यहाँ पे. बिलीफ यानी कि आप किस चीज को बिलीव करते हो, आपकी बिलीफ जो है आपकी जीवन को कैसे बदलती है. एग्जाम्पल, आप हेल्थ के बारे में क्या बिलीव करते हो? तो जैसे कि मैं मानता हूं माई हेल्थ इज माई फर्स्ट वेल्थ. अगर आप ये बिलीफ मान्यता रखते हो, और जैसे मिथ बताया डॉक्टर गुंजीत जी ने कि मेरा तो डीएनए में ही ऐसा है, मेरे तो माँ बाप ही ऐसे, इसलिए मैं जा रहा हूं, तो ये आज से कहना बंद कर दीजिए और एक नई बिलीफ डाल लिए कि आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, माई हेल्थ इज माई फर्स्ट वेल्थ. तो स्टार्ट विद बिलीफ, चेंज योर बिलीफ एंड देन लुक एट योर विजन. सेकेंड नंबर इज विजन, आप कहां अपने आप को देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो, कैसे लगेगा अगर आपको देखते हुए, आप कैसे फील करोगे अपने बॉडी के अंदर, आप कपड़े पहनोगे तो आपको कैसे लगेगा, ये सारी चीजें आप विजन क्रिएट कीजिए. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सारी कोचिज ने इसको टच किया है, कि आपका वाई क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं वेट रिडक्शन. जैसे आपने एक एड देखा होगा कि एक दादाजी अपने पोते को उठाना चाहता है, जब वो क्रिसमस में आए तो वो बार बार क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं कुछ ही वजनदार चीजों को लेके, तो ये बार बार करने से उसे वो उठा सकते हैं. सो हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस. तो व्हाई जितना आपका स्ट्रांग होगा वो प्रोसेस इजी हो जाएंगे, वरना विंटर के टाइम या ठंडी के टाइम सुबह उठ के जिम जाना या वॉक जाना उतना ही डिफिकल्ट होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. लेकिन जब आपका व्हाई क्लियर होगा कि मैं क्यों करना चाहता हूं, I want to be an example for my son. जब ये क्लियर होगा तो आप उठेंगे और आराम से जिम में जा सकेंगे. So your purpose or the why is also very important. And the finally strategies जो मेरे सारे coaches ने दिए हुए, तो मैं strategies को detail में नहीं. Strategies is how you're going to do. कैसे करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, या क्या खाओगे, या कौन सा डाइट करोगे, that is all about strategy. But पहले तीन स्टेप जो अगर आपके क्लियर नहीं है,
तो वो आप प्रोसेस नहीं कर सकते। तो मैं क्विकली एक एग्जांपल वेट के बारे में चारों कंपोनेंट को बताऊंगा। वन इज बिलीफ, माय हेल्थ इज माय फर्स्ट वेल्थ, दैट इज वन ऑफ द बिलीफ। विजन, माय विजन बीइंग इन ग्रेट फिजिकल शेप इज माय आइडेंटिटी, ये मेरा विजन है। पर्पस, व्हाई आई एम डूइंग, आई वांट टू लीव अ लॉन्गर लाइफ एंड बेटर लाइफ, सो ये मेरा हो गया व्हाई। एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी, जो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कि जैसे ग्रीन स्मूदी पीना है, आपको सैलेड ज्यादा खाना है, कैसे खाना है, सो ऑल दैट इज अबाउट स्ट्रेटेजी। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटोग्राफ ले सकते हैं। दिस इज व्हाट आई टीच इन माय पेड वर्जन, बट दिस इज टुडे आई एम गिविंग इट फॉर यू गाइज एज अ प्री फॉर यू पीपल। And finally, summary, health is a choice. You are 100% responsible for your life and you can choose a better life. So my friends, be healthy, be fit. Thank you. This is Manish and your coach, mental coach. So thank you very much for listening to me and I'm very grateful for the honor given to speak. Thank you very much. Thank you, Manish ji. Bahut hi badhiya session raha aapka. But जो आपने बताया वेलनेस का कॉन्सेप्ट और जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम विजुलाइजेशन टेक्निक के द्वारा, बिलीफ स्ट्रेटेजी को बिल्ड करके, बहुत यूजफुल टेक्निक्स है। और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि इसका आचार नहीं बनाना है, इसका एक्शन लेना है। तो अभी आप जैसे ही फ्री हो जाओ, अपना एक एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना वाई ढूंढिए कि वाई यू वॉन्ट टू लूज वेट, वाई यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर शुगर, योर कोलेस्ट्रॉल, योर ब्लड प्रेशर, योर थायराइड प्रॉब्लम, योर PCOD, वाई अपना ढूंढिए, अपना वाई ढूंढिए और अपने एक्शन और स्ट्रेटेजी बनाइए और विजुलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कीजिए। दोस्तों, ये जो अभी आपने सुना 1.5 घंटे, ये अभी खाली ट्रेलर था। अब जो आप सुनोगे, ये हम अपना प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। 10 से 15 मिनट आपका मैं ज्यादा लूंगा, क्या आप परमिट करते हो? तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। हमारे प्रीमियम, ये जो आप अभी देखा वो खाली सुपरफिशियल से, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो, कितने लोगों को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, अगर कुछ नया सीखने को मिला तो चैट बॉक्स में यस लिखिए आप। वेरी गुड, यशोधरा जी है, अमनदीप ने लिखा है, नैना गोयल, विजय परमार, रामबू बाबू कटियार, नरेश कुमार ठाकुर, अरविंदा, बहुत ही बढ़िया। ये सारे जो लोग आज जुड़े, ऑलमोस्ट हमारे साथ 75 लोग जुड़े हैं, जो सारे ग्रोथ माइंडसेट वाले, वरना संडे आफ्टरनून या मॉर्निंग में सारे फैमिली के साथ आउटिंग में, लेकिन आप लोग हैं वो सारे ग्रोथ माइंडसेट। अदरवाइज फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलता है, दो पंच, एक टाइम लंच और लाइफ है टंच, पर आप सब ग्रोथ माइंडसेट वाले हो। इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल एक हमारा प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम डिजाइन किया। टाइम वेस्ट किए बिना मैं आने वाली 10 मिनट में आपको मैं बताता हूँ, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। Just a minute. जी, ये जो हमारा प्रीमियम कोचिंग प्रोग्राम है, ये जो सारी चीजें आपने सीखी वो हम इंडिविजुअल हैंड होल्डिंग करके, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है आपको, चाहे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, PCOD, व्हाटएवर यू नेम इट, वी है जो है उसमें हमारा एक प्रीमियम प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें मैं थोड़ा 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड होगी ये प्रोग्राम से। पहले तो आप वैल्यूज देख लीजिए, बाद में मैं थोड़े बोनसेस, फिर आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आने वाली 10-15 मिनट तक। जैसे ही मैं प्रीमियम प्रोग्राम में क्या क्या वैल्यूज आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके बारे में बताऊं, तो एक तो आप अपना डायबिटीज, बीपी वगैरह, जो थायराइड इश्यू, ओबेसिटी, वो सारा रिवर्स कर सकते हो। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो बहुत ही बर्निंग इश्यू है आजकल, यंगर जनरेशन है, ओल्डर एज है, 6 रात को 11-12 बजे तक मोबाइल में चैट करना, रील्स देखना, ये बहुत कॉमन, तो स्लीप क्वालिटी बहुत डिटोरेट हो गई और डीप स्लीप तो बिल्कुल डिटोरेट हो गई है, तो वो आपकी इंप्रूव होगी। वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपका रिलेशनशिप विथ एवरीबॉडी, बिकॉज आपका माइंडसेट आपका सब फिट है, आपके रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं, बॉडी फिट है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर वो वेलनेस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, इमोशन नेगेटिव है,
तो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा किसी से भी। इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, जो हमने कोरोना के बाद देखा कि क्या इसका इम्पोर्टेंट है। हार्मफुल टॉक्सिन्स आपके बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काफ़ी ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। तीनों पैरामीटर्स एक्सरसाइज में इंप्रूव करना जरूरी है, खाली वॉकिंग करने से कुछ नहीं होता है। गट प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, ये सारे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल बिकॉज ऑफ खाने में मिलावट के कारण और बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये आपका 100% इम्प्रूव हो जाएगा। ऑल नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस आपके बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, अगर ये सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, बॉडी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि लोग पर्टिकुलर डाइट वगैरह फॉलो करते हैं लेकिन मेटाबॉलिज्म के ऊपर ध्यान नहीं देते, खास करके जो लाइफस्टाइल डिजीज वाले पेशेंट है जिनको डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। जब भी मैं लाइफस्टाइल डिजीज बोलूँ आपको समझ लेना है मैं डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और पीसीओडी की बात कर रहा हूँ। ये इसमें मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका कोई भी डिजीज में रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड इश्यू है जैसे ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारा आपका इम्प्रूव होगा। मेमोरी, शार्पनेस, कंसंट्रेशन, फोकस इम्प्रूव होगा। एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, जैसे कई बार सुबह उठते लगता है कि यार जॉब पे नहीं जाना है, लो फील कर रहे हो, फटीग फील होता है, वीकनेस होता है, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी। शुगर एडिक्शन, रात को खास करके या इवनिंग में भूख लगती है, रात को डिनर के बाद 11-12 बजे लगता है कि कुछ खा ले, तो ये शुगर एडिक्शन और क्रेविंग में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। मूड स्विंग्स खास करके आफ्टर 40 इयर्स 45 इयर्स फीमेल में कॉमन होता है, ये स्टेबलाइज होगा। आपका वात, पित्त और कफ दोष है जिसको हम डिटेल में बताएंगे क्या है और उसका एनालाइजर भी आपको बोनस में देंगे। डेवलप न्यू हेल्दी हैबिट्स, ये बहुत जरूरी है। हैबिट्स चेंज होगी तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाए, तो इसलिए हैबिट के ऊपर फोकस करो एंड फाइंड योर वाई। विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी आप देखते हो आज बहुत कॉमन है, B12, D3 डेफिशिएंसी, ये पूरी करेक्ट हो जाएगी थ्रू अवर प्रॉपर गाइडेंस। आइडेंटिफाई कंट्रोल ब्रीदिंग पैटर्न्स, कुछ मेडिटेशन वीडियोज वगैरह हम आपको देंगे और हमारा हैंड होल्डिंग कस्टमाइज सेशंस रहेंगे योगा और मेडिटेशन के ऊपर। एसिडिक अल्कलाइन फूड के कंसेप्ट आपको समझाएंगे, रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर रिड्यूस हो जाएगा, जैसे ये डायरेक्टली रिलेटेड टू अल्कलाइन फूड एंड अल्कलाइन वाटर। तो ये उसके साथ मैं आपके लिए कुछ बोनस ला रहा हूँ, उसकी वैल्यू नीचे लिखिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर आप प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम में हमारे एनरोल होते हो, मैं आगे बताता हूँ कितने सेशन रहेगी क्या है, ये आप ध्यान से देखना अभी आने वाली स्लाइड्स। ये आपके लिए हम कस्टमाइज डाइट प्लान करते हैं, जो मैंने बोला कि आजकल ज्यादातर डाइट, एक्सरसाइज, योगा एक्सपर्ट वगैरह कस्टमाइज अप्रोच नहीं रखते। पेशेंट की या जो भी सामने जो आपके पास पेशेंट आया है या जो भी पर्सन है, उनकी हर एक की बॉडी टाइप अलग अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन अलग अलग है, तो उसके हिसाब से हमको पर्टिकुलर किडनी का प्रॉब्लम है उसके लिए, किडनी और डायबिटीज है उनके लिए अलग आया, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उनके लिए अलग डाइट होता है, वैसे यूरिक एसिड और डायबिटीज है तो उनके लिए अलग डाइट होता है। तो हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग कस्टमाइज डाइट होता है, ये हम ध्यान रखते हैं। स्पेसिफिकली हमारी जो टीम है पूरी हेल्थ कोचिंग, दे आर ऑल एक्सपर्ट और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास और बहुत सारी रिवर्सल स्टोरीज भी जुड़ी हुई है। होम वर्कआउट वीडियो कस्टमाइज है, मतलब कि आपको जिम जाने का टाइम नहीं, इट्स ओके, आप घर पे ही अपने घर पे बेडरूम में या ड्राइंग रूम में कोई भी इक्विपमेंट्स के बिना आप एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर सकते हो, अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी लाइफस्टाइल, कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं। और ऐसी एक्सरसाइज दिखाएंगे जो एकदम लाइट है, कोई ऐसा हैवी एक्सरसाइज भी नहीं, जो आप एंजॉय कर सकोगे, इस तरह के एक्सरसाइज का कस्टमाइज वीडियो आपको देंगे। इसकी वैल्यूज नीचे लिखी है, कस्टमाइज योगा है या कस्टमाइज मेडिटेशन डिजाइन स्पेशली फॉर यू, अगर आपको ओबेसिटी और डायबिटीज है, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और किडनी डिजीज, आपके लिए स्पेशल कस्टमाइज मेडिटेशन होगा। 50+ हेल्दी रेसिपीज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि रात को क्या खाना खाना, ये राष्ट्रीय समस्या है हर एक घर में। तो और हर रेसिपीज, चाहे वो चपाती की हो, चटनी की हो, स्नैक्स की हो, अगर आपको पार्टी करनी है हफ्ते में एक बार तो उसकी भी रेसिपीज हम आपको देंगे कि पार्टी करनी हो, कोई मीठी चीज खानी हो तो उसमें भी आप क्या ऐसा बनाए कि जिसमें शुगर कम हो और मीठेपन का एहसास हो, ये सारी रेसिपीज, बहुत सारी रेसिपीज है। स्मूदीज की रेसिपीज देंगे आपको। 21 डे एक्शन प्लान, ऐसा बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आपने 21 डेज पे तक फॉलो कर दी तो वो हैबिट में डेवलप होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा हैंड होल्डिंग आपके साथ 3 महीने तक रहेगा। स्मार्ट गोल हम आपको कस्टमाइज कराएंगे कि आपके लिए गोल क्या है, जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए।
तो इसको स्मार्ट गोल बोलते हैं, जिसको हम डिटेल में बताएंगे। आपका गोल हम पर्सनली आपसे डिजाइन कराएंगे, हम हेल्प करेंगे उसके लिए। डूज डॉन्ट्स फॉर हेल्दी स्लीप, आपकी स्लीप पैटर्न क्या है वो आइडेंटिफाई करके आपको सजेशन दिया जाएगा और एक्शन लेने के लिए आपको बोला जाएगा कि ये आप करिए। स्नैक ऑप्शन, खास करके मिड मॉर्निंग स्नैक या ब्रेकफास्ट है या इवनिंग स्नैक, ये भी ज्यादातर लोग वही मिस्टेक कर देते हैं। इवनिंग स्नैक में कोई तली हुई चीजें या नमकीन खा लेते हैं, तो प्रॉपर हेल्दी स्नैक कौन सा है उसके बारे में बताएंगे। हंगर एंड फुलनेस स्केल क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे और आपको फ्री में दी जाएगा। मैजिक लंच एंड डिनर प्लेट, ये सीक्रेट है जो आपको दिया जाएगा, व्हाट इज मैजिक लंच एंड डिनर प्लेट। रेगुलर डीक्लटर ऑफ अनहेल्दी फूड, कैसे डीक्लटर करें, जैसे कोई शादी में जाना है जो कंपलसरी है या कोई पार्टी में जाना है तो उस टाइम आपको क्या करना है, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। रिलेशनशिप विथ फूड एंड योर बॉडी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई सलाड वगैरह जो नहीं अच्छा लगता है और हमने जबरदस्ती बोला है, कोई डायटिशियन ने जबरदस्ती बोला है, तो आप 3 महीना फॉलो तो कर लोगे लेकिन वो पॉजिटिव इमोशन के साथ आप नहीं खाओगे तो वो असर नहीं करेगा बॉडी के ऊपर। इसलिए आपको ऐसा बोलते हैं कि कोई भी खाना खाओ तो पहले उसको आँख से आप खाते हो, फिर नाक से खाते हो, फिर मुँह से खाते हो, फिर सारी सेंसेस आपको इन्वॉल्व करनी है कोई भी आप खाना खाओ, तो वो हम आपको सिखाएंगे। अल्टीमेट लाइफ हेल्दी, जैसे मैंने बताया, चाहे ब्रेकफास्ट हो, दाल रोटी चपाती चटनी लंच डिनर एवरीथिंग, सारी रेसिपीज जो कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, कोई यूट्यूब गूगल पे कहीं नहीं मिलेगी ये रेसिपीज। वेज टू अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, एक्सरसाइज ट्रैकर जिसमें साथ फिटनेस गोल ट्रैकर जिसमें स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग और अलग अलग पैरामीटर्स है उसमें, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। कंप्लीट प्रोटीन डाइट, इसमें किस किस चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है, कब लेना चाहिए आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। वाटर गाइड, मतलब जैसे किडनी के पेशेंट है उनको ज्यादा वाटर नहीं लेना है, यूरिक एसिड का जिनको ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हर एक पेशेंट के लिए वाटर इंटेक अलग अलग होता है, तो वो हम आपको कस्टमाइज बताएंगे। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यहाँ सब लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कम करो, लेकिन देर आर सम गुड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो और बैड कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके आपकी बॉडी के नीड के हिसाब से हम बताएंगे। 7 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डाइट, ये मोस्ट यूजफुल चीज है जो कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, कोई सोशल मीडिया या कोई इंटरनेट पे ये चीज नहीं मिलेगी, जो हम आपको बताएंगे और आप फॉलो भी करोगे। कंप्लीट गाइड टू फैट, फैट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, व्हाट इज गुड फैट बैड फैट। साइकिल ऑफ क्रेविंग आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। एनर्जी एक्सपेरिमेंट चार्ट, जो आपने कहीं सुना नहीं होगा, ये चीज आपकी बॉडी की एनर्जी क्या है, कितने बजे कितना रहता है एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट और एक्सरसाइज करना है। साइंस ऑफ आयुर्वेदा में आपको डिटेल में समझाएगा वात पित्त कफ दोष क्या है, उसका एनालाइजर आपको दिया जाएगा, जो आप अपना कौन सा पैटर्न है वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, वो पूरा आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। और इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी, ये सारी चीज आपको बोनस में हम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी, ये जो हमारा प्रीमियम हेल्थ कोचिंग है उसका वैल्यू अगर मिला है खाली बोनस का, तो इसे 1,20,000 रुपीस, और प्लस इसके साथ हम 3 महीना तक एवरी वीक आपके साथ रहेंगे, 1 सेशन एवरी वीक चारों हेल्थ कोच रहेंगे, जिसका वैल्यू है 60,000 रुपीस। लेकिन तो टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसका 2,12,000 जीएसटी को इंक्लूड करके। कितने लोगों को लग रहा है कि ये इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, आप चलो ये प्राइस में तो आपको मैं अभी कितना होना चाहिए, जो आपको मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की आपके हिसाब से कितना होना चाहिए इसका वैल्यू, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये आप लोग स्पेशल संडे को टाइम निकाल के आए हो, ग्रोथ माइंडसेट वाले हो आप लोग, इसलिए हम लोग आपको 2,12,000 में भी नहीं, 1,06,000 में भी ये आपको जो हमारा प्रीमियम हेल्थ कोचिंग सेशन है वो नहीं देंगे, 1,06,000 में भी नहीं देंगे। लेकिन आज फॉर नेक्स्ट 30 मिनट 6:30 बजे तक आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे, दैट इज ऑनली 50,000 रुपीज। इसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी, बोनसेस और वैल्यूज और हमारा पर्सनल हैंड होल्डिंग सेशंस रहेगा, और इसमें 100% रिवर्सल की गारंटी है, चाहे आपका ओबेसिटी हो, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसका टोटल वैल्यू 1,50,000 भी नहीं, लेकिन आप लोग संडे को आए हो टाइम निकाल के, इसलिए मैं फॉर हाफ एन आवर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर देता हूँ, लेकिन इट इज ओनली फॉर फास्ट एक्शन टेकर्स।
ये सारी चीजें 2,12,000 में भी नहीं, लेकिन आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, वैल्यूज और बोनस और हमारा पर्सनल कोचिंग सेशन फॉर 3 मंथ्स, हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज में देंगे। बट ये इन लोगों के लिए जो आने वाले आधे घंटे में रजिस्टर करते हैं, और उसके लिए आपको ओनली 1,000 रुपीज ही अभी पे करना है, 20,000 पूरा पे नहीं करना है। इसके लिए 1,000 रुपीज बुक करके आप पे करके अपनी सीट को बुक करवा सकते हो। और हमारे ये जो प्रोग्राम में काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है और ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो हमारे पास आज की सेशन का जो है वो 10 सीट ही अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है इसके ये जो हमारा लेक्चर और प्रेजेंटेशन के बाद की ये कुछ यूजफुल चीज अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म लाएगी, तो आप अपना जो सीट है वो 1,000 रुपीज दे के बुक करवा सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर 3 महीने बाद आपको लगा कि ये सेशन में मुझे ये आप हमसे जुड़ने के बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये पूरा जो 3 महीने के बाद आपका पूरा 20,000 जो है वो रिफंड किया जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। क्योंकि हमको पता है कि हमारे प्रोग्राम से काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज आई है और काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। और इसको पेमेंट बेस पे रखने का रीजन ये है कि कोई भी चीज अगर आपको फ्री में मिलती है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप कोई शादी ब्याह में जाते हो कोई खाना खाने, तो ज्यादातर लोगों को खाना वेस्टेज ज्यादा हो, लेकिन कोई प्रीमियम रेस्टोरेंट में आप जाते हो जहाँ पे करते हो तो फिर एक भी चीज आप वेस्ट नहीं होने देते। और ऐसा एक रिसर्च में, जब भी आप कोई चीज के लिए पे करते हो तो आपका कमिटमेंट लेवल 100% बढ़ जाता है। और आवर गोल इज टू ट्रांसफॉर्म 10 लाख पीपल्स लाइफ बाय 2025, जिसमें डायबिटीज, बीपी वगैरह जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज है। और हमारा पूरा फोकस अभी वैल्यूज प्रोवाइड करने पे, मनी इज अ सेकेंडरी चीज। और ये भी मिनिमम अमाउंट इसलिए रखा है कि आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाए, इसीलिए ये 20,000 भी हम रिफंड कर देंगे। अगर 3 महीने बाद आपने बोला कि मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है, तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन ये पूरा मनी आपको रिफंड किया जाएगा और ये बोनसेस वगैरह फ्री में दिए जाएंगे आपको। तो अगर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी खाली 1,000 रुपीज पे करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हो। और वो भी अगर आपको लगा 2 दिन बाद कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट है, तो वो भी 1,000 रुपीज भी रिफंड किए जाएंगे। तो जो भी लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं, और मैं मनीष जी से बोलूंगा कि चैट बॉक्स में अपना थोड़ा अकाउंट डिटेल शेयर करें, यही डिटेल पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, पर ये आने वाले समझो 6:15 तक हम एक्सटेंड करते हैं आने वाले नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास काफी सारी इंक्वायरीज आई है और बहुत ही लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है। खाली इस बैच में हम 10 लोग ही ले सकते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे ही होगा। ऑलमोस्ट पिछले वेबिनार में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला, काफी सारे लोगों ने रजिस्टर किया था, और ऑलमोस्ट अभी हमारे टाइम स्लॉट के हिसाब से वी कैन प्लान ओनली 10 पीपल, 10 लोगों को ही हम ले सकते हैं। तो जिन लोगों को भी जुड़ना है, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नंबर गूगल पे और पेटीएम है जो आप देख रहे हो, नंबर UPI ID या QR कोड स्कैन करके आप ओनली 1,000 रुपीज ही पे करना है। रेस्ट 19,000 जब हमारा पहला सेशन चालू होगा तब आप पे करना है, और ये भी रिफंडेबल मनी है, 3 मंथ्स के बाद पूरा रिफंड किया जाएगा अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो। तो जो लोग भी इंटरेस्ट है, और मनी जिससे मैं बोलूंगा चैट बॉक्स में ये अकाउंट डिटेल भी है, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अपने व्हाट्सएप में या चैट बॉक्स से। और दूसरी चीज, मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप सेंड करता हूँ, जो लोग भी ये नहीं है वो रिवर्स डायबिटीज व्हाट्सएप ग्रुप में, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी प्रीमियम हेल्थ कम्युनिटी क्लब जो है, प्रीमियम हेल्थ क्लब का मेंबर बनिए, इसमें बहुत सारे अपकमिंग वेबिनार्स, प्रीमियम प्रोग्राम्स एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अभी हम सेशन क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं, तो जिन लोगों का, गौरव जी से मैं बोलूंगा अपना गूगल फॉर्म भी शेयर कर दीजिए, मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गूगल फॉर्म आप भर दीजिए, जो क्योंकि आप लोग 4 बजे से बैठे हो, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा ऊपर हो गया है, तो आप 1.5 घंटे के ऊपर हो गया है, तो आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, आप ये गूगल फॉर्म भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी, नेम और एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, आपके लिए एक स्पेशल डाइट चैट, जनरल डाइट चैट, डायबिटीज डाइट चैट मेल आ जाएगा आप लोगों के ईमेल पे। और मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गूगल फॉर्म शेयर करते, और मनीष जी कैन ऑल्सो रीसेंड द अकाउंट डिटेल्स। ओके, अच्छा, ये मनु भाई जी ने पूछा है विच सप्लीमेंट यू आर प्रोवाइडिंग विद द ट्रीटमेंट एंड विच ब्रांड। मनु जी, इसमें क्या है, ये गौरव जी ने गूगल फॉर्म शेयर किया, सब लोगों को रिक्वेस्ट है जितने भी पार्टिसिपेंट, एटलीस्ट गूगल फॉर्म आप भर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, तो
तो आने वाले वेबिनार की डिटेल और बहुत सारे अपकमिंग हमारे इवेंट्स है, प्रीमियम इवेंट्स इस तरह के, उसके आपको वहाँ पे इनपुट और इनसाइट्स मिलेंगे। मनु भाई का जी है, मनु जी ने सवाल पूछा है, सप्लीमेंट डिपेंड्स के आपको क्या प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज वगैरह है तो उसमें B12 वगैरह लेना पड़ता है, तो इस तरह से आपको कौन सा प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके हम सप्लीमेंट देते हैं। ब्रांड वगैरह वो इट डिपेंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड्स है, जैसे प्रोटीन का ब्रांड बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन वी रिकमेंडेड राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन ब्रांड प्रोटीन के लिए, विच इज वंडरफुल। आप अगर चाहो तो उसकी वेबसाइट हम आपको भेज देंगे, कहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। गूगल फॉर्म गौरव जी ने भेजा है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए सब लोग और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग भी इंटरेस्ट है वी कैन, आप क्वेश्चन आंसर चालू रखिए और 6:15 तक आप ये बुक आप करवा सकते हो। गूगल फॉर्म हम रीसेंड कर सकते हैं, मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ, गूगल फॉर्म ये tinyurl.com जो है 2p89vpy5 ये गूगल फॉर्म है जो अभी शेयर किया है। अपना फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हो, अपना फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हो और रिव्यूज भी आप डाल सकते हो। जस्ट मैंने एक रिव्यू लिंक शेयर किया है, यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर रिव्यूज, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो अपने रिव्यूज भी डाल सकते हैं आप, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो ऑन करके आप पूछ सकते हो। आई विल अनम्यूट यू, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाइफस्टाइल डिजीज वगैरह या रिगार्डिंग अवर प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम। सतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि वेट लॉस, जी सतीश जी बताइए आपको, मैं एक जस्ट अ मिनट, व्हाट यू वांट, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। Dr. Gunjit, there are also some question and answers. Question and answers में उसमें कुछ लोगों ने questions डाले हुए, we can answer over there also. I think some of them have mentioned it there. अच्छा, question answer में डाले, okay. So I'll just read the question. Mr. Amandeep ने पूछा है, Amandeep Sehra, उन्होंने पूछा है, I was affected with COVID last year and put on the weight, so how to maintain the body weight and to be on right track, my schedule is off track, how to make it possible. तो मेरा ये मानना है कि आप वन टू वन थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे कि आप कहाँ पे आपको रुकावट आ रही है, so it's better that you discuss one to one, that's what I think. In other opinion agar aap Dr. Gunjit ya Mr. Gaurav kuch bolna chahe to bol sakte hain. Right, Dr. Chami, you are right, because Amandeep sir, agar aapke questions ke jawab do to jaisa humne bataya ki hum kya kha rahe hain, hum kaise kha rahe hain, hamara sleep, hamara exercise, hamara emotions, there are so many things, right? और मैं अगर आपको या मैं या हम में से कोई भी अगर आपको हम बहुत सारा सॉल्यूशन देना शुरू कर दें तो वो फिजिबल नहीं है। इट हैज टू बी लाइक वी हैव टू सी कि कौन सा जो आपका जो पिलर है वो सबसे ज्यादा कमजोर कौन सा है और हम उस पर पहले काम करना शुरू करेंगे और विथ स्मॉल एंड स्मॉल स्टेप्स बेसिकली, राइट। तो अगर मैं आपके सवाल का अभी जवाब दूं कि आपको ट्रैक पे आना है तो आप कैसे आएंगे, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे हमने बताया अपने वाई को फिगर आउट करिए कि आपको करना क्यों है। ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे रीजंस होंगे, राइट। स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कीजिए, कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए, अपने खाने पे, अपने सोने पे, अपने एक्सरसाइज पे, स्लो, गो स्लो, टेक स्मॉल स्टेप्स एंड देन ऑब्जर्व योर बॉडी एंड आई एम श्योर यू विल सी द रिजल्ट इवेंचुअली। One more question was there from Amandeep, ki which food can we take after workout? So Mr. Amandeep, in my opinion, आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो पोस्ट वर्कआउट आप
कुछ फूड ले सकते हो जैसे बनाना, लेकिन आप योगा कर रहे हो तो आप बनाना लेने की जरूरत नहीं, और उसके साथ साथ कौन से टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट वर्कआउट इन मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, दैट एवरीथिंग इज टू बी कंसीडर्ड. तो आपका क्वेश्चन बहुत जेनेरिक है, एकदम जेनेरिक क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर. तो यू नीड टू अगेन डिस्कस पर्सनली फॉर दैट कि आप क्या वर्कआउट करते हो और कौन से टाइम पे करते हो वर्कआउट. एंड इन डिटेल आपको जानना है तो मिस्टर गौरव जी भी कुछ एड ऑन कर सकते हैं इसमें. डॉक्टर चार्मी, यू आर 100% राइट. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, और जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी आर बर्निंग लॉट ऑफ कैलोरीज, राइट. बट जब हम फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी करते हैं तो वहां भी हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, बट दैट एक्सटेंट, बट वी आर नॉट डूइंग इट टू दैट लेवल ऑफ एक्सटेंट, इजंट इट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी आर डूइंग, व्हाट टाइम वी आर डूइंग, राइट. एंड नॉर्मली व्हाट वी आर ईटिंग आफ्टर आवर वर्कआउट, हम सुबह में कर रहे हैं या हम शाम में कर रहे हैं. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच कम्स इनटू पिक्चर. बट इन जनरल अगर मैं बताऊं कि लोग अगर सुबह में ना वर्कआउट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तो वो नॉर्मली बहुत लाइट ब्रेकफास्ट लेते हैं, मे बी वन एप्पल और बनाना, और आफ्टर वर्कआउट वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें उनका फोकस कार्ब्स पे भी होता है और प्रोटीन पे भी होता है, राइट. सेम थिंग गोज फॉर इवनिंग. लाइक बहुत सारे लोग अगर शाम में वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद डिनर का टाइम होता है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनका बॉडी टाइप कैसा है और उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है. अगर कोई बंदा है उसे अगर मसल्स ग्रो करना है तो वो उस समय अपने प्रोटीन पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा. बट कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो वो प्रोटीन पे तो करेगा ही, बट एट द सेम टाइम हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि आप कार्ब्स भी खाओ, राइट. तो हमारा कार्ब्स का इनटेक उस समय कम होगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, देयर प्रीवियस हिस्ट्री एंड व्हाट टाइम दे आर वर्किंग आउट, व्हाट टाइप ऑफ वर्कआउट दे आर डूइंग. So it actually needs close one-to-one discussion so that we can answer you better. अमनदीप जी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप 1000 rupees पे करके अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं, बिकॉज अभी हम खाली 10 लोगों को ही लेंगे और टाइम हमारे पास ओनली 20 मिनट्स है, और आने वाले टाइम पे ये फी हम बढ़ाने भी जा रहे हैं बिकॉज रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है. और कस्टमाइज अप्रोच रखना बहुत जरूरी, जैसे आप गौरव जी ने बताया कि भाई आपकी एनर्जी कौन से टाइम पे ज्यादा है, ड्यूरिंग डे, दोपहर को, शाम को, अर्ली मॉर्निंग. आज ज्यादातर लोग ये एनर्जी एक्सपेरिमेंट चार्ट है, वात पित्त कफ दो से आपके बॉडी में क्या आपकी बॉडी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज और डाइट, डीएनए डाइट हो या कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म के, ये जो अभी बोनसेस वगैरह दिखा, ये जो ट्रेलर है, ये सारी चीजें आने वाले मंथ में हम लोग बहुत बड़ा एक उसको करने जा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अल्टरनेटिव थेरापी के जो भी चीजें हैं, चाहे वो अल्कलाइन वाटर हो, क्वांटम हीलिंग थेरापी हो, बायोमैग्नेटिक एनर्जी हीलिंग हो, या प्रॉपर सप्लीमेंट हो, ये सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगी. ये चारों लोग हम जो हेल्थ कोच है, वर्ल्ड की जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपी है उससे हम टाइप करके कोलेबोरेट करके हमारे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलेगी. उसके लिए आप एक तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, और अगर डिटेल में ये सारी चीजें जाननी है तो हमारे प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए. पूरा डिटेल में कस्टमाइज हैंड होल्डिंग रहेगा आपका. राहुल पटनी जी ने आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर जो है ऑप्शन, वहाँ पे राहुल जी आप पूछ सकते हो कुछ अगर पूछना चाहते हो. यहाँ पे काफी सारे हमारे पास कितनी सीट अवेलेबल है अपने मनीष जी कैन कंफर्म, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक पीपल हैव बुक, मीनाक्षी जी ने बुक करवा लिया है. मनीष जी ने अपना अकाउंट शेयर किया डिटेल, और हमारे मनीष जी कैन टेल कितनी बुक हुई है सीट और कितनी बाकी है. ऑलरेडी 6 हो चुकी है डॉक्टर गुंजीत जी, अभी सिर्फ 4 सीटें बाकी है, तो हम तुरंत ही क्लोज कर देंगे. हाँ, 4 सीटी ले सकते हैं बिकॉज हमारा भी टाइम कंस्टेंट रहता है, हम लोग इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं ले सकते हैं. जितना 3 months का हमारा सेशन का, फिर ही दूसरे लोगों को, तो फिर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा, और हमारे पास 4 सीटें ही बाकी है और 15-20 मिनट है. तो अगर आपको लगता है इंटरेस्ट तो आप 1000 rupees पे करिए, वो भी रिफंडेबल है, और 3 months के बाद भी आपको ऐसा लगा कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो पूरा 20,000 आपको रिफंड किया जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. डॉक्टर गुंजीत जी, जी, देयर इज वन क्वेश्चन, हम उसे आंसर कर देते हैं. द क्वेश्चन इज फ्रॉम महेंद्र मिस्त्री.
And Dr. Chami, we might need your help here. His question is, how to maintain protein between uric acid and weight loss? So, yeah. Uric acid में सबसे पहले तो see आपका uric acid में weight loss कर सकते हैं. It's not. यूरिक एसिड में आपको क्या उपवास वगैरह नहीं करना है, आपको वाटर इंटेक प्रॉपर रखना है. हाइड्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है यूरिक एसिड में. और यूरिक एसिड में डाइट की अगर आप बात करूं तो ज्यादातर ये मीथ है कि प्रोटीन इंटेक एकदम कम करना है, बंद करना है, ये गलत कंसेप्ट है. आपको नॉन वेज प्रोटीन अवॉइड करना है. वेज प्रोटीन आप ले सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी में. उपवास नहीं करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेना है, मैदे वाली चीजें और जो बेसन की चीजें है वो आपको नहीं लेनी है. ये थोड़ी चीजें फैक्टर में वेट लॉस के दौरान आपको ध्यान रखनी होती है. और मीनवाइल आपको बीच बीच में किडनी का एक रिपोर्ट भी कराना पड़ता है. अगर यूरिक एसिड ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, अपर साइड चला जाता है, तो वो किडनी को भी डैमेज करता है. तो इसलिए हमारे जो प्लेटफॉर्म पे सारे हेल्थ कोचेज बीइंग अ डॉक्टर, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है इन लाइफ एज अ लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट और अभी डायबिटीज रिवर्सल हेल्थ कोच, और मेरी जो टीम है आज आप देख रहे हो, डॉक्टर चार्मी है, गौरव जी है, मनीष जी है जो माइंड कोच है, और सारे एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में और सालों का एक्सपीरियंस है. उन्होंने काफी सारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज उन्होंने क्रिएट की है. तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिटेल में हमारा पर्सनल प्रीमियम प्रोग्राम में एनरोल करिए. सबसे पहले इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में मनीष जी ने शेयर भी किया डिटेल. तो हमारे पास 4 सिटी अवेलेबल है. तो क्योंकि ये सब चीजें क्या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या सूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके हिसाब से हम आपको बताएंगे डिटेल में. लेकिन ऊपर ऊपर से ये 4-5 चीजों का आपको अगर यूरिक एसिड है तो ये ध्यान रखना है. और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अस. यू कैन आल्सो रेज योर हैंड. वी विल रेज हैंड. क्वेश्चन आंसर सेशन एक सेगमेंट है ऊपर, आप देखोगे वहां पे चैट में भी पूछ सकते हो. हमारे पास आई थिंक 5 मिनट है. वी कैन क्लोज इन 5 मिनट्स. और पेमेंट डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में विद इन 15 मिनट यू कैन. और चैट बॉक्स में ईमेल जो डिटेल है उसका कॉपी पेस्ट कर लीजिए, गूगल पे नंबर वगैरह. आप बाद में 15 मिनट के अंदर कर सकते हो. थैंक यू महेंद्र मिस्त्री जी. और अपना फीडबैक आप शेयर करिए, जो भी है रिव्यू लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ. कैसा लगा ये वेबिनार तो अपना ये रिव्यू आप जरूर शेयर करिए. One of them have asked the question, Meenakshi ji ne shayad se pucha hai, how to reduce weight in sedentary lifestyle. Dr. Gunjit, would you like to answer the question? जी मीनाक्षी मैडम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल पहले तो जैसे ये सेशन में आपने देखा होगा कि पहले तो आपको रीजन जानना होगा कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्यों है, व्हाट इज योर व्हाई. डायरेक्ट कभी भी जंप मत करिए कि वेट लॉस करना है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब गूगल पे कि वेट लॉस कैसे करना है, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं. और आजकल जितने भी डायटिशियन एक्सरसाइज ट्रेनर योगा एक्सपर्ट यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. अगर बाई चांस आप मोटिवेट होकर 3 महीना फॉलोअप भी कर लोगे तो 6-7 महीने 8 महीने बाद आप जहाँ थे वहीं आ जाओगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाई यू वॉन्ट टू लूज योर वेट. फाइंड योर वाई, उसको सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करिए, विजुलाइज करिए डे बाई डे. तो ये और अपनी हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दीजिए तो फिर कोई आपका ऑटोमेटिक क्यों अच्छी है हैबिट डेवलप होगी तो वेट लॉस ऑटोमेटिक होगा. तो जैसे चार्मी जी ने, गौरव जी ने, मनीष जी की पीपीटी में प्रेजेंटेशन में देखा, उन्होंने वही बताया कि वेट लॉस के पीछे मत भागो, फाइंड योर वाई. हाउ के पीछे मत भागो, हाउ. अगर आपको आपका वाई मिल गया तो हाउ ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैसे करना. तो कैसे करना वो बड़ा है ही नहीं कि वेट लॉस कैसे करना, आपको पहले वाई ढूंढना है और उसको यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पे रजिस्टर करना है. और इसके लिए ही हम लोग अपना ये प्रीमियम कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्योंकि ये जब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में कैसे रजिस्टर करना उसकी सर्टन टेक्निक्स होती है. विजुलाइजेशन टेक्निक है, अफर्मेशंस है, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम की एक टेक्निक है. आई एम सर्टिफाइड इन न्यूरोलैंग्वेज. तो उसके थ्रू हम आप उसको पर्सनली हैंड होल्डिंग मिलता है 3 मंथ्स तक. और एक बार अगर यहाँ फिट हो गया ना तो आपको कोई कोचिंग की बाद में जरूर नहीं पड़ेगी, कोई भी वेबिनार अटेंड करने की जरूर नहीं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूर नहीं पड़ेगी लाइफ लॉन्ग. उन्होंने पूछा है कि विटामिन B12 एंड B3 के सोर्सेस कौन से हैं. दैट इज अमनदीप हैव आस्क्ड, मिस्टर अमनदीप हैव आस्क्ड हाउ टू मेंटेन B12 एंड D3 इन द बॉडी. जी अमनदीप जी, B12 बेसिकली आपने देखा होगा वेजिटेरियन सोर्स में बहुत ही कम मिलता है, चाहे दूध हो या पनीर की कोई आइटम ले लो, टोफू प्रोटीन ले लो,
बादाम है उसमें बहुत ही कम मात्रा, मेन B12 सोर्स इज मीट। आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स में भी अगर इसको चिकन और मीट को कंपेयर करो, जो ऑर्गन मीट होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप बट बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि नॉनवेज खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए अवर रिकमेंडेशन कि अगर आपको प्रॉपर डाइट में और एक्सरसाइज वगैरह करिए, और देर आर सर्टन डिवाइसेस क्वांटम हीलिंग जो हम प्रीमियम प्रोग्राम में बताते हैं कि डिजिटल न्यूट्रिशन आपको देते हैं, क्योंकि हर एक मिनरल हो चाहे B12 D3 कैल्शियम, वो एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट होती है बॉडी में, उसकी जो चेतातंतु में इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट होती है, तो वो एक डिजिटल डिवाइस आता है हीलिंग करके, बट वो हम डिटेल में करेंगे। और बाकी थ्रू डाइट प्रॉपर आप फॉलो करो, एक्सरसाइज फॉलो करो, तो उससे काफी हद तक ये प्रॉब्लिटी कम हो जाती है। और एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हमको टैबलेट लेने की भी जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल। और D3 आप देखो, D3 में क्या, डाइट में कितना भी लोग D3 तो, पर लेकिन आप धूप में नहीं जाओगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ज्यादातर लोगों के D3 डाइट में से तो ले ले, ड्राई फ्रूट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, और भी D3 के मिल्क है, लेकिन ये लेने के बाद अगर आप धूप में नहीं जाओगे 15-20 मिनट आधा घंटा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर कितना भी आप डाइट में लो, अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो डेफिशिएंसी रहेगा। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि खाली न्यूट्रिशन ले लिया लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है, एब्जॉर्ब कैसे करना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और आप मीनवाइल मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, वहां पे इसके वीडियो है, मैं आपको शेयर करूंगा मनदीप जी। Yes, totally agree, Dr. Gunji, totally agree. And Amandeep, आपको B12, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप B12 के लिए स्प्राउट्स भी थोड़ा इंक्लूड कर सकते हो आपके डाइट में। एंड आजकल D3 के लिए फोर्टिफाइड फूड्स भी आ गए, तो आप मशरूम्स भी ले सकते हो, मशरूम्स में भी थोड़ा D3 मिल जाएगा। एंड द बेस्ट सोर्स तो पता ही है, सबको पता है, जो फ्री में मिलता है सनलाइट, सो दैट इज द बेस्ट सोर्स। एंड डॉक्टर गुंजीत ने बोला वो तो बिल्कुल सही बोला है। तो थैंक यू एवरीबडी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो गूगल फॉर्म भी आप पहले भर दीजिए, उसमें भी ऑप्शन है कोई क्वेश्चन पूछने का, और लास्ट आई थिंक 2 मिनट है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और इसका कॉपी पेस्ट ले लीजिए। अगर 6:15 बजे तक अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो प्रीमियम प्रोग्राम में, तो जस्ट गिव 1000 रुपीज एंड बुक योर सीट। अगर आपको लगता है कि 2 दिन के बाद माइंड चेंज होता है, वो भी रिफंड हो जाएगा। और हमारे प्रीमियम प्रोग्राम में आप एनरोल होते हो, 3 मंथ्स के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं फर्क पड़ा, तो पूरा रिफंड हो जाएगा आपका। तो रिस्क हम ले रहे हैं, तो आपका रिस्क पूरा हम ले रहे हैं, बिकॉज हमारा मिशन बड़ा है, वैल्यू बेस्ड। हम लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और वैल्यू लाना चाहते हैं इसलिए। और आई थिंक हमारे साथ अभी भी 28 लोग जुड़े हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। थैंक यू अमनदीप जी। आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर, वी कैन वाइंड अप। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप खाली कॉपी पेस्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, और चैट बॉक्स में जो भी अकाउंट डिटेल्स है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। संडे इवनिंग काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है सबके लिए, अपने फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए, फिर भी आप लोग आए, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को है और आप लोग बैठे, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। हमारे सारे हेल्थ कोचिज की ओर से थैंक यू, और आई थैंक यू ऑल अवर अदर हेल्थ कोचिज ऑल्सो, डॉक्टर चार्मी, गौरव जी और मनीष जी। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।